ऐसा क्या बुरा कर दिया लाइफ में यार कि लोग आपके साथ ये कर रहे हैं आके और मतलब मैं अभी भी ना ना मैं सोचती हूँ ना मेरे को अभी ऐसा लगता है कि मुझको चप्पल उठा के मारना चाहिए था जब मुझे पता चला जो इन्वॉल्व है इस पूरे स्कैम में और चलो ठीक है मैं कह रही हूँ आप आप स्कैम में इन्वॉल्व नहीं भी हो बट आपको पता है कि आपके बंदे ने किसी लड़की के साथ नेशनल टेलीविजन पे गलत किया है उस लड़की का सपोर्ट करने के बजाय चलो आई अंडरस्टैंड तुम्हारा रिलेशनशिप है तुम नहीं सपोर्ट कर सकते बट उस बंदी के अगेंस्ट तुम चीज़ें बोल रहे हो अपने बंदे को बचाने के लिए पहले मुझे लीजा के रील्स आया करते थे अब मुझे निकी तंबोली के रील्स आते हैं एंड पीपल आस्ट मी टू रिएक्ट क्योंकि उनको

और मेरे साथ में है इस वक्त नायरा नाइस लाइन कैसी हो नायरा मैं बहुत बढ़िया हूँ खुश हूँ अच्छी हूँ <laughs> सच बोला है भाई दिल से निकला है कि आपने सबको ना एकदम दायरा दिखा दिया है सबको कुछ लोग बचे हैं मे बी कभी डेस्टिनी ने दोबारा मौका दिया तो जरूर अब कौन बचा है आई थिंक अरबाज बचा है आई थिंक क्योंकि आ, मतलब मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे शो के बाद पता चली अगर अंदर पता चलती तो शायद दायरा दिखा देती उसी वक्त ही बट ठीक है एवरी थिंग एट द टाइम फिर जब मिले जब आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे जो एक्सेस आए <laughs> कौन आए जब आपने उनको देखा उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था यार सबसे वियर्ड रिएक्शन मेरा तब था जब जैसे मैं वो जलाने गई थी पिक्चर और जब शिवेद का निकला तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं हंसू रो क्या क्योंकि एक तो हम कभी एक्सेस नहीं थे हम कभी एक्सेस नहीं थे तो मेरे को ये लगा कि यार इसको एक्स बना दिया है मेरा और मैंने बोला भी कि ही इज लीस्ट इम्पोर्टेंट बट देन मुझसे बार बार पूछा जा रहा था मेरे पास्ट के बारे में तो मैं जब ये शो पर जा भी रही थी ना तो मैंने यही माइंड किया था कि आई विल नॉट टॉक अबाउट इट आई विल नॉट इवन गिव अटेंशन टू दिस टॉपिक बिकॉज सब कुछ में खत्म हो चुका था कोई जरूरत नहीं थी वो ड्रैग करने की बट मुझसे वो खुरेज -खुरेज के पूछा जा रहा था कि तुम्हारे पास में क्या हुआ उसने क्या किया क्यों लड़ाई हुई तो आई वॉज़ लाइक कि आई to टू गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट एंड इतने महीनों के बाद मैं फिर से बैक टू जीरो पे आ गई हूँ तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ था बट देन uh, हम जब सारे दिग्विजय सचिन मैम बात करते थे तो सब यही बोलते थे कि उसके बारे में बात ही नहीं करनी है एंड मैंने वही माइंड सेट रखा बट देन अगेन नेक्स्ट डे मुझे क्लिप दिखाई गई तो फिर से मेरे वही रिएक्शन आ गए तो इट्स लाइक like, मतलब मैं चाहती थी फ्रेश स्टार्ट बट वो वैसा स्टार्ट हो नहीं पाया वो अगेन yeah. शिवेद नायरा वही वाला चीज़ स्टार्ट हो गया विच आई डेंट वॉन्ट एट दैट टाइम ऐसा नहीं लगा लेकिन कई सारे लोगों को आज भी वो क्लैरिटी वहाँ पे नहीं मिली है क्योंकि वो स्टोरी story... क्या exactly, अब दोनों के बीच में हुआ था यार मैं इसके बारे में बात कर करके थक गई सो so मैं इस चीज़ के बारे में बात करना नहीं चाहती हर और, हर में ये बात हो चुकी है वॉज अ थिंग आप वो चीज़ एक्सेप्ट करो इट वॉज नॉट अ फ्रेंडशिप जब आप किसी को ऐसा फ्रेंडशिप लेबल डाल देते हो ना तो वो उंगलियाँ दूसरे इंसान पर भी उठती है तो रोडीज के बाद सब सब खत्म हो चुका था जो भी इंटरव्यू से सब थे लेकिन जब वो क्लिप में दिखाया गया ना द पर्सन अगेन वॉज

तो आई थिंक uh, अभी ये है कि वी आर कॉर्डियल एंड जो भी था वो आई थिंक शो में सबको पता चल चुका है चाहे कोई माने चाहे नहीं माने ऑडियंस को पता है क्या हुआ क्योंकि यहाँ पे ना दो पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं एक आपका जाता है एक हाँ। दूसरा शिवित का जाता है हाँ। और ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना बहुत अलग अलग हो जाते हैं

वो एक्सेप्ट कर भी लिया है तो आई डोंट नो वॉट टू से राइट नाउ जिसको जो बिलीव करना है करे बट समझदार ऑडियंस को पता है कि एक्चुअल में क्या था वो बट कई सारे लोगों का ऐसा भी कहना है भाई कि नेम के लिए फेम के लिए आपने उनके साथ में रिलेशनशिप बनाया आंसर दूंगी कि जब हम रोडीज में गए थे तो आई yeah. तो पॉपुलर था, था, उस सीजन में था विला से yeah. थे, तो अगर मुझे फेम के लिए रिलेशनशिप करना होता रिलेशनशिप तो नहीं था बट जो भी करना होता वो मैं ऐसे इंसान को पकड़ती जो ऑलरेडी पॉपुलर है मैं एक अनजान इंसान को क्यों पकड़ू जिसका कुछ अभी एग्जिस्टेंस है ही नहीं उस चीज में और लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे रिएक्शन जो है वो फेम के लिए होते हैं मैं इतना बढ़ाती हूँ चीजें मैं एज अ पर्सन ऐसी ही हूं मैं पर्सन कि अगर आप मेरा कुछ कर दोगे ना बुरा तो मैं उस चीज के बारे में दस बार बात करूंगी जब तक तो मुझे अंदर वो नहीं हो जाता कि हाँ मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है हाँ मैंने अपने लिए लड़ाई की है तो लोगों को वो ओवर द बोर्ड दिखते हैं सॉरी एंड देन एंड देन जैसे uh, हमारा सेकेंड एपिसोड आया था yeah. जब वो टी वी पर एपिसोड दिखाया था तो लोगों का ये भी कहना था कि फ़ुटेज के लिए इतना रिएक्शन क्यों yeah. देना जब रोडीज में ख़त्म हो exactly. गया दे डोंट अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज एक इंसान ने वो चीज़ मानी नहीं उस वजह से इतने रेपोकॉशन मुझे झेलने पड़े वो जितने भी द, दस महीने आठ महीने जो मैंने हेट झेला है उसके फैंस की वजह से जो टॉक्सिक फैंस जिन्होंने मुझे रस्ते पर रोक के मुझे गलत गलत चीज़ें बोली हैं जो एक थ्रेड्स मैंने झेले हैं येस इट हैज़ हैपन्ड एंड उसके बाद आई गोट डू अ रिलेशनशिप आफ्टर रोडीज तीन या चार महीने बाद मैं उस रिलेशनशिप uh, में आई थी बट जस्ट बिकॉज टी वी पे uh, शिवे तोरी वाला सीन चल रहा था और इन लाइफ मेरा किसी और के साथ चल रहा था सो so, लोग समझ नहीं पा रहे थे लोग को लग रहा था एक टाइम पे दो बंदे कैसे चला रही है सो so, इतना ज़्यादा कमेंट में नेगेटिविटी इतना ज़्यादा मेरे उस पार्टनर को इतना नेगेटिविटी दिया कि वो रिलेशनशिप खराब हो गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड तो वो जब रिएक्शन है ना वो वो सिर्फ एक क्लिप का रिएक्शन नहीं है वो जो मैं दस महीने से भरी पड़ी हूँ जो मेरे साथ इतना कुछ गलत हुआ है कि आई ऑन सेंग लोगों ने मेरी बातों का बिलीव नहीं किया वो सारी चीज़ों का गुस्सा निकला है वहाँ पे तो शायद लोगों के लिए ओवर द बोर्ड रिएक्शन होगा शायद लोगों को लगेगा फेम के लिए कर रही हूँ बट मेरा एट दी एंड यही कहना है कि मुझे फ़ेम कभी मिलता नहीं था ये सब करके मुझे और गालियाँ पड़ती थी मुझे ठीक है एंगेजमेंट मिलता है लोगों को लगता है मैं उस चीज़ को एक अच्छे वे में यूज़ करती हूँ कि चलो मेरे को गाली पड़ रही है म्यूजिक इट एज़ इंगेजमेंट बट अंदर से तो मुझे पता है ना कि मुझे कितना बुरा लग रहा है कि कितना मुझे सुनाया जा रहा है लोग मेरा बिलीव नहीं कर रहे तो फेम तो मुझे मिला ही नहीं अगर लोग कह रहे कि फेम के लिए करती हूं मैं अगर या तो मेरे फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाते okay. या फिर मेरे को बहुत पेड कैंपेन्स मिल रहे होते या मुझे बड़ी ब्रांड्स मिल रही होती तो मेरा रीजन भी होता करने का जिस लड़की को ये बोलने पर गालियां मिल रही है गंदा गंदा लोग सुना रहे हैं जिसका रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है वो इंसान अगर फिर भी वो चीज कर रहा है तो अंडरस्टैंड शी इज़ ट्राइंग टू पुट अप हर पॉइंट शी इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ शी इज नॉट डूइंग

आई सार्ट लाइकिंग समन एल्स और आई लाइकिंग माई फ्रेंड बट थ्रू आउट अगर मैं किसी एक इंसान के साथ हूं तो मैं उसी इंसान के साथ हूं मेरे को मुंह मारने की आदत नहीं है तो कैरेक्टर की तो बात नहीं है बट हां लोगों लोगों ने मेरे इमोशंस का बहुत मजाक बनाया कि जैसे मेरा एक एपिसोड भी था विला में जहां पर मैं रो रही थी इतना बर्स्ट आउट हो गया क्योंकि मुझे ये बोला गया कि तुम कैमरे के लिए फेक करती हो तुम्हारी ऑफ ऑन पर्सनैलिटी अलग है तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार अगर मेरे को कोई इंसान पसंद आया है मैं नेशनल टेलीविजन पे वो चीज एक्सेप्ट

बहुत डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है आई थिंक मैं बस यही बोलूंगी कि इतना डिफरेंस आया है कि अब मैं बहुत कैलकुलेटिव हो गई हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए मैं वहाँ पे भी हो गई हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी इंसान को पसंद करने में भी बिकॉज अब मैं अपनी चॉइसिस को भी डाउट करने लगी हूँ ऑल जो भी दोनों शो में हुआ वो मेरी चॉइसिस कभी नहीं थी दे वर द वन हु टुक द इनिशिएटिव एंड केम इन माई लाइफ बट अब ऐसा हो गया कि अब कोई भी इनिशिएटिव लेगा ना मेरी लाइफ में मेरे को दस बार सोचना पड़ेगा एंड आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स एंड इफ आई एम गेटिंग एनी स्क यू आई विल यू नो टेक एडवाइस फ्राम यू एंड आई विलेट आई लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट इट सो दैट आई एम नॉट टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन मेरा वो कॉन्फिडेंस जा चुका है मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सही इंसान डेट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में या कोई सही इंसान एग्जिस्ट भी करता है बहुत दिमाग में क्वेश्चन आने लगे हैं कि मे बी आई एम द रोंग पर्सन मे बी मेरे अंदर खामियाँ हैं मे बी आई एम लाइक टू गुड फॉर दिस वर्ल्ड मतलब बहुत कन्फ्यूजन दिमाग में आ चुका है एंड अभी इट्स नॉट जस्ट रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो इट्स द सेम थिंग कि जैसे मैंने शो पे भी चाहे शाय, शायद रोडीज हो चाहे वो ये वाला शो हो दोनों में ही मैंने फ्रेंडशिप के केस में बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ एंड एट दी एंड ऑफ द डे मुझे कुछ मिला नहीं है तो अब मैं ना फ्रेंडशिप में भी उतने एफर्ट्स नहीं लगाना चाहती हूँ कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं बॉन्ड पहचानने में या कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने में या लोगों को पहचानने पर में नहरा थोड़ी सी पीछे यार मैं पता एक चीज़ बोलूँ मुझे हमेशा इंट्यूशन हमेशा आया है ऐसा नहीं है कि मुझे कभी पता नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे बट मैंने ना हमेशा उस चीज़ को इग्नोर किया और मैंने हमेशा ना इंसान के अंदर का एक अच्छा पार्ट देखने की कोशिश की है लाइक like, uh, जैसे मेरी रियल लाइफ में भी जब भी मैंने डेट किया हो चाहे मेरे फ्रेंड्स रहे हो उनकी भी गलतियां थी उनके अंदर भी फॉल्ट थे बट आई ऑलवेज ट्राई टू लुक द गुड पार्ट इन देम एंड मैं हमेशा वो गुड पार्ट देखने के चक्कर में ना वो नेगेटिव पार्ट को भूल जाती हूँ कि इस इंसान में ये भी प्रॉब्लम तो है एग्जैक्टली और वो अच्छायाँ देखने के चक्कर में ना मुझ पर भारी पड़ जाती है चीज़ें तो अब मैं निगेटिव नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा पहले फोकस करते हो अगर आज मैं किसी से बात भी कर रही हूँ ना तो मैं बहुत कैलकुलेटिव सोचती हूँ कि यह इंसान मेरे साथ स्टोरी क्यों डाल रहा है ये इंसान मेरे साथ क्यों हैंग आउट yeah. कर रहा है ये इंसान मुझे इस वक्त क्यों बुला रहा है मैं बहुत सोचने लगी उस चीज़ों पर एंड अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले नेगेटिव चीज़ पर फोकस कर रही हूँ मैं मैं पॉजिटिव नहीं देखना चाहती अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्योंकि दैट हैज़ दैट इज़ बैकफायर्ड बट मैं ये नहीं कहूँ मुझे इंसान को पहचानने में अभी पता नहीं है कि कौन कैसा निकलेगा मेरा नजरिया जो डायरेक्शन है ना देखने का वो गलत रहा है कि हमेशा अच्छा देखो माई मॉम हैज़ ऑलवेज टॉट मी द सेम थिंग कि ना हमेशा अच्छी चीज़ें देखो बुरी चीज़ों को बाद में देखो एंड मेरी मॉम ने ये बताना भू, भूल गई वो कि ये दुनिया वैसी है नहीं कि आप सिर्फ अच्छाई पे फोकस करो उनके ज़माने में ऐसा शायद होता होगा बट इस ज़माने में बुराइयाँ पहले देखनी पड़ती है देखना पड़ता है कि कौन इंसान आपका कितना हार्म कर सकता है तो वही है लेकिन पता नहीं आ रहा अभी तो मुझे बहुत डर लगता है लोगों पर ट्रस्ट करने में प्यार पे भरोसा है I, अब करती प्यार पे भरोसा यार यू नो आई एम अ पर्सन हु लव्स टू बी इन लव मुझे मुझे बहुत पसंद है वो लव जैसी फीलिंग को महसूस करना किसी इंसान को उतना प्यार देना मैं प्यार लेने में कभी यकीन नहीं करती थी मैं हमेशा प्यार देने पे यकीन करती थी बट अभी अ, मैं थोड़ा अपना गिवर वाला साइड पीछे कर चुकी हूँ बट मैंने अब कभी भी दरवाजे लव के लिए बंद नहीं किए कि जस्ट बिकॉज मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया तो मुझे दोबारा नहीं करना आई सो वॉन्ट टू बी इन लव आई सो वॉन्ट टू बी इन अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बट ओनली वन द टाइम इज़ राइट आई एम नॉट डेस्परेट फॉर इट मेरे को कोई जल्दी नहीं है जब वो होना होगा होगा लेकिन उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे मेरी लाइफ में मेरी नायरा इज़ इक्वल टू लव ये हमेशा रहेगा मेरी लव स्टोरी के चर्चे हमेशा रहेंगे आप देखना ये चीज़ क्योंकि मुझे पता है कि एक होता ना yeah. आपकी लाइफ में एक एलिमेंट होता होता है है किसी का, का, का बिजनेस कुंडली में है, जो मैं लोगों को बोलती हूँ जो लव प्लान है yeah. वो हमेशा रहेगा तो उसका कुछ वो हो नहीं सकता बट अभी के लिए तो आई डोंट टू बी लव अच्छा मैं दो नाम लूंगा आपको बताना है किस से हर्ट से किसने किया है okay. शिवित <laughs> आई थिंक शिवित क्योंकि अरबाज़ के केस में मैं यही बोलूँगी कि वो सिर्फ़ एक अटैचमेंट था जबाइक जब आप एक सिनारीयो में हो आप थर्टी फोर्टी डेज किसी के साथ हो कोई इंसान आपके लिए एफ़र्ट लगाता है तो आपको एक अटैचमेंट हो जाता है जैसा कोई घर में रिलेटिव भी आते हैं जब वो जाते हैं तो आपको बुरा लगता है okay. वो सिर्फ वैसा वाला फेस था शिवित के केस में आई वॉज इमोशनली इन्वॉल्व क्योंकि जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि रोडीज़ uh, के वक्त मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में थी तो मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब चल रहा था एवरी थिंग वॉज गोइंग रॉन्ग एंड द ओनली थिंग दैट वॉज राइट एट द टाइम दैट whatever i had and whatever was going on with him at that point of time and that was a scape for me टू यू नो मतलब लोगों ने उसको बहुत गलत फ्रेम किया है कि इट वॉज लव अटैचमेंट ऐसा कुछ भी नहीं था वो सिर्फ मेरी एक स्केप थी एक जो गलत जो मेरी लाइफ में सब कुछ चल रहा था तो उससे भागने के लिए तो uh, मैंने उसमें कुछ कैलकुलेशन कभी नहीं लगा इट हैपेंड विथ प्योर इमोशंस प्योर इनोसेंस एंड जब उसने वैसा किया तो मुझे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशंस थी और तब पता नहीं था रियलिटी शोज़ में क्या होता है लोग क्यों बिहेव करते हैं क्या कैमरा होता है तो वो कैलकुलेशन कभी थी न इट वॉज प्योर इनोसेंस तो वो हर्ट तो कभी मतलब नहीं गया है मतलब वो हमेशा से मुझे बुरा ही फील हुआ जब भी मैं आज भी क्लिप्स देखती हूँ अपने रोडीज़ के तो मैं यही बोलती हूँ कि यार ये क्या थी नायरा ये क्या हो गया अरबाज ने हर्ट जैसा नहीं मुझे किया है मतलब इतना मुझे डैमेज नहीं फील हुआ सेकेंड टाइम मैं प्रिपेर्ड रहते हो ऐसा हुआ है कि रोडीज देख अब बहुत ज़्यादा रोए हो यार रोडीज देख के तो मैं नहीं रोई हूँ मैं मैं इतना इजीली रोती नहीं हूँ तो टू बी ऑनेस्ट मेरा मतलब ये, कि ये जब एमोशनल, तक... एमोशनल होना क्या देते हैं नहीं यार मेरा ना डिफेंस मैकेनिज़्म रहा है शुरू से कि बचपन में भी मेरे साथ एक चीज़ हुई थी कि आई वाज आई थिंक व्हाट 14 15 इयर्स ओल्ड एंड हमारे स्कूल में कोई एक फंक्शन था और मैं पैदल पैदल आती थी घर पे और दो तीन लड़कों ने मुझे फॉलो किया था और मैं रोने लगी दैट वॉज द टाइम मतलब मैं बहुत रोई घर आके क्योंकि मैं डर गई थी बहुत कोई मेरे साथ कुछ करना ले एंड yeah. मेरी मॉम का पहला रिएक्शन था कि वाई आर यू क्राइंग मैंने उनको बोला ये सब हुआ तो माई मॉम सेट कि तो क्या हुआ यू आर सपोज टू फाइट बैक लाइक तुझे पकड़ना था उन लड़कों को बोला ना तुम क्या कर रहे हो तो वो वो वाला इंसिडेंट मुझे याद है उस इंसिडेंट से लेकर आज तक मेरी माँ ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना कि मतलब रोना ऑप्शन कभी रहा नहीं मेरी लाइफ में और मेरी बॉम ने हमेशा से वायर्डअप भी ऐसी हुई कि मेरी लाइफ में रोना बहुत लास्ट ऑप्शन रहा है तो जब मैं बहुत ज्यादा बर्स्ट आउट हो जाती हूँ तभी मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं तो आज भी जब मैं रोडीज देखती हूँ तो मैं इमोशनल कभी नहीं होती बस बस मुझे मुझे अपने अपने लिए लिए बुरा बुरा लगता लगता है है कि और कुछ नहीं बाकी रोना वोना नहीं आता बस ये कि हमेशा ऐसा लगता है कि काश मैं वापस पास्ट में जाके इसको बोल देती कि ब्रो जस्ट कीप योर सेल्फ गार्डेड डू नॉट एक्सप्रेस वॉट योर फीलिंग वॉट आर थिंकिंग जस्ट डू नॉट बिकॉज द वर्ल्ड विल नॉट बिलीव यू अगर नायरा दोबारा अगर फिर से ठीक करने का मौका मिले कर सकते हैं अगर क्या ठीक करना चाहती हैं आप ठीक मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ खराब है कि ठीक किया जा सके मुझे लगता है लाइफ में ना हर चीज़ होती है आपको एक चीज़ सिखाने के लिए और ये दो रियलिटी शोज़ में लोगों को दिखा है मैंने तो लाइफ में ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है इससे खतरनाक रिलेशनशिप्स देखी तो रिलेशनशिप नहीं थे मैं मतलब बहुत गलत रिलेशनशिप्स में रही हुआ है बीन चीटेड ऑन आई हैव बीन इन डिप्रेशन आई हैव ट्राई टू तो किल माई सेल्फ मैंने बहुत बहुत चीज़ें देखी है लाइफ में इतनी गरीबी भी देखी है कि आई हैड टू स्टील मनी फ्रॉम माई ओन पेरेंट्स तो मैंने इतना बुरा देखा है कि ये

और किसी yeah. चीज़ का इंट्यूशन होना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है जब आई uh, थिंक उन्नति डंप हुई थी दैट वाज द डे एंड उस वक्त ट्वेंटी सेवन्थ या ट्वेंटी सिक्स डे चल रहा था शूट yeah. का उससे पहले तक तो हिंट भी नहीं थी कुछ भी नहीं था तो उस दिन की बात है जब उन्नति डंप हुई अरबाज़ और मैं बैठे हुए थे एंड सडनली इन बिटवीन कन्वर्जेसन वो एक एक सॉर्ट ऑफ चीज़ बीच में बोलता है कि यार तेको पता है मेरी एक बंदी से शादी होने वाली थी एंड वी कुड नॉट गेट मैरिड बिकॉज़ वो पंजाबी थी मैं मुस्लिम था और हमारे कन्वर्ट होना पड़ता है तो हमारी वो चीज़ हो नहीं पाई तो अब उसने मुझे पास टेंस में बताया उसने मुझे ये नहीं बोला कि वो लड़की एग्जिस्ट कर रही है हां मतलब वो नहीं हुई बट मुझे ना वही है ना कि मैं अपने इंट्यूशन हमेशा इग्नोर करती हूँ तो मुझे वो इंट्यूशन लग रहा था कि यू नो अगर ये ऐसी चीज़ बोल रहा है तो किसी रीज़न से बोल रहा है मतलब आउट ऑफ नोवेयर क्यों बोलेगा आपने आपने ऊपर बात आगे नहीं नहीं बढ़ाई पूछा मेरी उससे इतनी ज़्यादा लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं हो पाई मतलब हमारी जब बात हो रही थी उस वक्त माहौल ही बहुत वो था कि दिग्विजय उन्नति चली गई थी तो दिग्विजय नीडेड मी और हमारी कन्वर्सेशन चल रही है और ना मैं उसको सिर्फ देख रही हूँ सो मेरा ना इमोशनल साइड बहुत अलग है लोगों को ऐसा लगता है मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ बट जब मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है ना तो मैं दो मिनट के लिए साइलेंट हो जाती हूँ तो मैं उसको देख रही हूँ जो बातें कर रहा है एंड मैं प्रोसेस कर रही हूँ कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे वो चीज़ बुरी इसलिए भी लगी क्योंकि थोड़े टाइम पहले वो आजमा के लिए बोलता था कि आज़मा तो मुझे क्रश है मेरी मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना yeah. फिर वो मैम के लिए जेस्चर्स करता था तो मुझे ऑलरेडी वो पाइलअप हो रही थी चीज़ें कि ये बंदा क्या कर रहा है मतलब इफ़ ही इज़ माई कनेक्शन एंड इफ़ ही इज़ पुटिंग एफर्ट्स फॉर मी ये इतनी सारी चीज़ें करें वो ऑलरेडी बिल्डअप हो रही थी और उसने फिर ये चीज़ भी बोल दी ना तो मेरा ना थोड़ा मन सा उतर गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये क्या है और ठीक है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है बाहर बट अगर आप किसी से कनेक्शन आपका बिल्डअप हो रहा है सडनली आपको ये पता चले वो किसी से प्यार करता था तो उसको प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है एंड बाय द टाइम वी कुड कंप्लीट द कन्वर्जेशन दिग्विजय आया बुलाने के लिए तो दिग्विजय के रूम में मैं गई और द फर्स्ट थिंग मतलब मेरे को था कि मैं किसी से ये चीज़ बोलूँ तो फर्स्ट थिंग दैट आई इज सेट टू दिग्विजय दैट यू नो मुझे लगता है इसकी गर्लफ्रेंड है बाहर मैंने फ़र्स्ट चीज़ ये बोली और मैंने बोला मुझे लगता है मतलब उस बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया है बट इट्स माई इंट्यूशन दैट इज सेंग आउट ऑफ दैट कन्वर्जेशन कि ये पॉसिबिलिटी है लेकिन इससे पहले कि दिग्विजय में डिस्कस करते वो मुझे गाइड करता या कुछ करता उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसने उसी वक्त ही शट डाउन कर दिया मुझे क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी मतलब वो उन्नति जस्ट निकली थी कुछ मिनट पहले तो आई थिंक उसका भी वो जोन नहीं था कि वो मेरे लिए रह पाए मुझे समझा पाए तो हमने वो कन्वर्जेशन हम कर नहीं पाए और हम लोग उसके पास कुछ पेपर वेपर था एयर का उसने बोला कि हम ये सब डिस्कस करेंगे और हमने वो चीज़ करी अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं ये चीज़ डिस्कस किससे करूं बिकॉज़ अगर मैं ये चीज़ किसी से बोलती हूँ वॉट इफ ये ये तो मेरा इंट्यूशन है मेरे पास प्रूफ तो है नहीं ना इस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया है तो अगर मान लो मैं कल को किसी कंटेस्टेंट को वो कंटेस्टेंट उसको जाके बोले एंड इफ इट्स नॉट ट्रू तो हमारा बॉन्ड खराब होगा एंड अगर ये ट्रू है भी और अगर मान लो उसका प्रूफ नहीं है तो मैं गलत दिखूंगी तो मैं इतना डिलेमा में थी कि मैं ये बात डिस्कस किससे करूँ बॉन्ड बनने के बाद में या बॉन्ड बनने के थोड़े से पहले यार ट्वेंटी सेवेंथ डे की बात कर रही हूँ मतलब सत्ताईस दिन हमको हो चुके थे सत्ताइस दिन में मैं, मैं अरबाज को बोल चुकी थी दैट आई एम गेटिंग इमोशनली अटैच टू यू तब मुझे उसने कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया मैंने उससे यह भी पूछा था तेरी बंदी है बाहर 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 उसने बोला नहीं नहीं है है मैंने पूछा तेरी एक्स ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे सब कुछ हो चुका था उसके बाद मुझे ट्वेंटी सेवन डे हिंट मिला है तो उसके बाद मुझे समझ लिया मैं किससे डिस्कस करूँ फिर मैंने कहा चलो मैं रात में इस थाट पर सोती हूँ मैं देखती हूँ सुबह क्या किया जा सकता है तो फिर नेक्स्ट डे हमारा एक सेगमेंट था उर्फी के साथ तो उर्फी के साथ मैं और अरबाज बैठे आप ये सेगमेंट देख सकते हो तो सेगमेंट में वो बोल रहा है कि मैं इसके साथ रहूँगा इसके लिए हूँ और उर्फी बोल भी रही है कि मतलब कब तक तो वो बोल भी रहा सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा है और मैं उसी टाइम पर मैं लड़ रही हूँ कि मुझे टाइम नहीं देता तो वो पहले तो उसने ऑन कैमरा बोला कि हमको टाइम नहीं मिल पाता है प्रिवेसी नहीं है हर बार कोई ना कोई हमारे रूम में आ जाता तो हमें वो प्रिवसी नहीं मिलती दूसरा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता अब चलो मैं ये भी सोच लो कि चलो ऑन कैमरा फेक कर रहा है ऑफ़ कैमरा भी मेरी बात हुई है तो ऑफ़ कैमरा वो मुझसे बोल रहा है ना तो पता है ना यार हमारे बीच में लोग आ जाते हैं है, हमें टाइम नहीं मिलता तो जो इंसान मुझे ये सब बातें बोल रहा है मैं कैसे बोलूँ कि मैं कैसे खुद को ये एक्सेप्ट कराऊँ कि शायद मेरा इंट्यूशन सही है तो मुझे यही लगा कि मे बी इट्स माई ओवर थिंकिंग कि वो मैं वो एक स्टेटमेंट उससे निकालना चाह रही हूँ काश मैंने वो अपने इंट्यूशन में बिलीव किया होता काश मैंने थोड़ा छानबीन करने की कोशिश की होती बट अगर मैं कर भी लेती चलो मान लो मैं कर भी लेती क्या प्रूफ था कौन किसको पता था कुछ नहीं था तो मेरे को यही लगा कि मे बी इट माय माई ओवर थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में वो था थॉट लेकिन उसका कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जिस वजह से मुझे बिलीव हो और वो मेरे लिए बहुत एफर्ट लगाता था ये स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया गया है बिकॉज ऑफ़ कि उनका अफेयर बाहर निकल गया है अदरवाइज उन्होंने बहुत एफ़र्ट लगाए हैं ये गोद में उठाना बार बार दो दो बार गोद में उठाना और लोगों को ये बोला कि मेरी शेरनी है जो डिसीजन लेगी वो ये लेगी हर चीज़ में और मतलब एक ऐसा टाइम भी था जब मैंने रेड कलर का जम्पसूट पहना था डोम का आउटफिट और मेरी रेड लिपस्टिक लगी हुई थी एंड मैं उसके ना पैर पर पे बैठी हुई थी हम लोग हम एक दूसरे के कनेक्शन थे तो हम हमेशा क्लोज yeah. बैठते थे एक होता है ना कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बाहर होगी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे समझ आएगा वो हमेशा चिपका हुआ ही रहता था मुझसे तो मैं उसके पैर पे बैठी हूँ एंड आई एम जस्ट हगिंग हिम एंड ना मैंने उसको मजाक में बोला कि यार आज तो बहुत क्यूट लग रहा है मेरे yeah. को मन कर रहा है कि रेड लिपस्टिक का स्टैंप बना दूँ मैं तेरे गाल पर तो वो बंदा बोल सकता है ना आई एम नॉट कम्फर्टेबल या क्या वो मुझे बोलता है कि यार अभी सब कैमरा है डोम से आके करते हैं तो आप ये सोचो कि कोई मुझे ये स्टेटमेंट दे रहा है कोई मुझे इतने एफर्ट्स लगा रहा है मुझे कहां से समझ में आएगा कि किसकी बंदी बाहर है और हां मुझे कुछ कुछ इंट्यूशन जैसे और भी आते थे जैसे उसने बीच में मुझे बोला कि मैं तेरे को हर्ट नहीं करना चाहता मैंने बोला मैं स्टेटमेंट का मतलब समझ नहीं पा रही हूँ हर्ट नहीं करना चाहता मतलब क्या होता है कि तेरी बंदी बाहर है तब भी मैंने पूछा मेरे मैं को तब भी इंट्यूशन आया तो उसने बोला बंदी नहीं है बट तेरे साथ पिछले शो में ऐसा हो चुका है सो दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक यू नो मतलब वो उतना ज़्यादा नहीं करना चाहता चीज़ें मेरे साथ लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि तुम जीरो पे हो तुम या तो बिल्कुल मत करो तुम एक कंटेस्टेंट की तरह रहते मैंने तुम्हें फर्स्ट डे बोला कि हम गेम खेलेंगे हम गेम खेलने आए हम जीतने के लिए आए तो तुम ये रोमांटिक जेस्चर नहीं करते ना मेरे लिए डेट तो पे भी बहुत क्लिप कटा है उसने मुझे हवा में उठाया है डांस करा है पता नहीं क्या क्या करा है एंड आई थिंक आई वो टू डम टू अंडरस्टैंड कि ये कैमरा और कॉन्टेंट के लिए लोग करते हैं मुझे लगा जेनवनली ही इज फीलिंग ऑल दैट ही इज़ लुई वितॉन का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है लुई वितॉन का ऐसी किसी को भी गिफ्ट कर देते हो क्या तो बहुत सारे जेस्टर जैसे हुए हैं पूरी जर्नी मेरी डिलेमा में ही कि 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 इसके efforts यहां ऐसा शो कि he's he's इसके ऐसा करते हैं एक दो से मेरे दिमाग में intuition आ रहा है है। यार इसकी बंदी बाहर मुझे कंफर्मेशन तब आया जब हमारे फोन्स भी आई थिंक मिले नहीं थे हमारा लास्ट कुछ वीडियो बची हुई थी शो पूरा शूट हो चुका है एंड एडी आया था और एडी बोलता है कि यार इसने मेरे को बोला कि मैं दिल्ली तुझसे मिलने आऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा तब मेरे पैर से एक्चुअली ज़मीन खिसक गई क्योंकि मतलब ये बोलना कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ आऊँगा मतलब गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट करती है अभी भी मैं उस वक्त इतनी शौक हो गई और आई नो कि जिस टाइप की मैं इंसान लोगों को रियलिटी शो में दिखती हूँ तो लोगों को लग रहा होगा इसने तो माँ बहन कर दी होगी जाके मैं नम हो गई उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को जैसे ही पता चला मैं रूम में गई और मैंने अरबाज़ से पूछा कि तूने इन सबको क्या बोला है तो बोलते क्या मैंने बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड है और तू दिल्ली में मिलने जाएगा तो उसका पता है रिएक्शन फर्स्ट के आते कि तेरी तरफ से सीरियस था क्या एंड मैं उसको खड़े होकर मैंने सिर्फ दो मिनट उसको सिर्फ स्टेर किया है एंड आई जस्ट वर्कड आउट ऑफ दैट रूम

पता नहीं यार अब मेरा वो नहीं होता अब मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ दोबारा जानते हुए इंसान कर लेना तो फिर तो और गंदा फील होता है कि ऐसा क्या बुरा कर दिया लाइफ में यार लोग आपके साथ ये कर रहे हैं आके और मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ ना मेरे को अभी ऐसा लगता है मुझको चप्पल उठा के मारना चाहिए था जब मुझे पता चला क्योंकि आज मैं उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ आई मिन माई जोन तो मैं आज वो रिएक्ट कर सकती हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे को लिटरली समझ ही नहीं आया मैं रिएक्ट क्या करूँ क्या बोलूँ उस इंसान से और मतलब इतना अजीब था फिर भी मैंने कहा चलो मैं इससे बात नहीं करूंगी और मैंने भी सोच लिया था कि मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं घुसूँगी मैं रिएक्ट भी नहीं करूँगी इसके बाद मेरी दिग्विजय से बात हुई दिग्विजय को मैंने बताया कि सब चीज़ें पता चली है तो दिग्विजय ने भी मुझे बोला कि देख बाहर कुछ रिएक्ट मत करना इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है तेरे को कुछ ड्रॉबैक ना आए क्योंकि शिवित के किसे बहुत हेट आया था तो दिग्विजय ने भी मुझे यही समझाया कि मत करना कुछ भी है तो मैंने सोचा था मैं कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि मैं लड़ूंगी भी ना तो फिर से लोग यही बोलेंगे इसके साथ ही क्यों होता है तो मैंने यही सोच लिया था मैं करूँगी नहीं बट ये बंदा इतना बेशरम है कि नेक्स्ट डे जब हम लोग लास्ट कुछ ब्रांड शूट चल रहा था मैं अपने रूम में कपड़े फोल्ड कर रही हूं वो नॉर्मली मेरे रूम में आता है और पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश करता है और मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर मैंने सोच लिया था मैं मेरे लिए इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूंगी ना मैं लड़ूंगी ना मैं कुछ बोलूंगी और इतने में ना मेरे पास आता है और बोलता है कि नायरा ये ब्रांड शूट करना जरूरी है क्या मैंने बोला हाँ ज़रूरी है बोलता है कि यार ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और आ, मैं छुपने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने बोला ओके okay. मेरा सिर्फ ये रिएक्शन क्योंकि उसको वो करना नहीं था शूट वगैरह बट मैं कह रही हूँ कि वो बंदे को शर्म नहीं आ रही कि तुमने एक बंदी के साथ स्कैम कर दिया वो बंदी तुम्हारे रूम से वॉकआउट कर चुकी है तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाह रही और तुम इतना कैजुअली रूम में घुस के उससे बात कर रहे हो तुम्हारे आंखों में गिल्ट नहीं है तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम इस बंदी के सामने भी कैसे जा रहे हो क्योंकि सुबह के दिन मेरा रूटीन था कि मैं हर दिन सुबह उसके रूम में जाती थी वी टू हैव अ कन्वर्जेशन मैं नेक्स्ट डे उसके रूम में नहीं गई तो उसने क्रू को भी बोला कि आज नायरा तो बहुत अलग लग रही है आज आई भी नहीं सुबह से बात करने के लिए या तो वो डम है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरा रिएक्शन ऐसा क्यों था या फिर वो गैस करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं हो जैसे तो वो सब रिएक्शन के बाद ना मुझे मुझे लिटरली समझ नहीं आया कि मैं डील कैसे करूँ सिचुएशन के साथ बट ये जो क्लेम्स है ना कि मुझे पता था मुझे नहीं पता था अगर मुझे पता होता ना तो मैं स्टूपिड लाइन नहीं बोलती कि मेरा मर्दों में टेस्ट अच्छा हो गया है ये वो इट्स इट वॉज जस्ट एन इंट्यूशन विच आई डिड नॉट लिसन शो खत्म होने के बाद में आपकी उनकी गर्लफ्रेंड से कोई बात हुई यार लीजा ने रीच आउट करने की कोशिश की आ, वाया वाया मुझे किसी ने बोला कि लीजा आपसे बात करना चाहती है बट मैंने क्लियरली मना कर दिया क्योंकि एक तो मुझे उनके फटे में टांग अड़ाना नहीं था वो उनका जो भी वो है वो वो जाने ऊपर से उन मैडम ने जो नीचे कमेंट्स में लोगों को लिख रखा था कि इट इज स्क्रिप्टेड आपने मेरे ऊपर उंगलियां उठा दी ना क्योंकि जब आप स्क्रिप्टेड बोल रहे हो तो उस स्क्रिप्ट का पार्ट आपने मुझे भी बना दिया मेरे स्क्रिप्ट नहीं थे मेरा कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं था और इनफैक्ट जो उनके हस्बैंड या जो भी वो उनके बॉयफ्रेंड हैं उनका कर्म ना भी वो स्क्रिप्ट में नहीं था मुझे मतलब इतना गुस्सा आया ना उन्होंने अपनी प्रोफाइल में कुछ कुछ ब्रॉडकास्ट में रील शेयर करी और ये लिखा कि मैं फेम के लिए कर रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार इस बंदी से मुझे बात नहीं करनी है और सेकेंडली मुझे फिर किसी ने बताया कि उन्होंने ऐसा किसी को कहा है कि जब ये सब शादी की रूमर्स आए थे उनकी फ़ोटोज़ वोटोज़ वायरल हो रही थी तो उन्होंने ऐसा किसी को कहा कि बिग बॉस जाने के लिए तो ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है तो मेरे को ये समझ में आ गया ये दोनों एक जैसे हैं एक सिंपथी कार्ड प्ले कर रहा है जिसके साथ किसी ने खेल लिया बाहर शो के और एक इंसान ऐसा दिखा रहा है कि शो के बाद उसको किसी से प्यार हो गया बट आई रियलाइज कि दे बोथ हैव मेड अ स्क्रिप्ट क्योंकि शो के टाइम पे ऐसा मुझे अभी क्रू से पता चला कि जब शो के अंदर वो गए तब सारी क्लिप्स बाहर से गायब थी जैसे ही वो शो के बाहर आए उनके व्लॉग्स उनके इंस्टाग्राम के रील्स उनकी पार्टनर के साथ आ गए अचानक से उनकी जो बंदी है उनकी बायो में लिखा आता है रिलेशनशिप विद अरबाज़ पहले नहीं था तो अगर एक लड़की जो इन्वॉल्व है इस पूरे स्कैम में और चलो ठीक है मैं कह रही हूँ आप आप स्कैम में इन्वॉल्व नहीं भी हो बट आपको पता है कि आपके बंदे ने किसी लड़की के साथ नेशनल टेलीविजन पे गलत किया है उस लड़की का सपोर्ट करने के बजाय चलो आई अंडरस्टैंड तुम्हारा रिलेशनशिप है तुम नहीं सपोर्ट कर सकते बट उस बंदी के अगेंस्ट तुम चीज़ें बोल रहे हो अपने बंदे को बचाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू दैट वीमेन मुझे अभी थोड़े दिन पहले किसी का एक मैसेज आया उनके किसी फ़ैन पेज का और पहली लाइन उन्होंने लिखी थी जो जो मैं आज ये पहला ऐसा चैनल है जहाँ पर बात कर कर रही मैंने इससे पहले किसी चैनल पे बात नहीं करी है और मुझे नहीं पता बात सच है कि नहीं है बट मैं चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन पहले मेरे पास किसी फैन पेज का एक मैसेज आता है yeah. उन्होंने लिखा कि लीजा इज प्रेगनेंट एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट शी इज नॉट एबल टू डील नॉट एबल टू लीव हिम और आप उसे तंग ना करें तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या ये प्लानिंग चल रही है मुझे उसमें ड्रैग करने की कि नायरा को पता चलेगा नायरा रिएक्ट करेगी कंट्रोवर्सी होगी अरबाज़ वायरल होगा आई हैव नो आइडिया मेरे साथ क्या हो रहा है बट आई डोंट नो वाई यू नो मुझे इस चीज़ में घुसाया जा रहा है मुझे कुछ मतलब नहीं है आपने उस मैसेज पर मैंने okay, मैंने उनसे सबसे पहली चीज़ यही पूछी कि व्हाट इज़ द प्रूफ कि ये चीज़ सच है कि नहीं और मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है और आपकी जो खुद जो मैडम है वो खुद ही ये सब लिख रही हैं स्क्रिप्टेड वगैरह मैं तो अवॉइड करती हूँ कि मैं उनके बारे में भी बात करूँ बट वही है जिन्होंने इनिशिएटिव लेके कमेंट्स में भी लोगों के रिप्लाई किया अगर लोग कमेंट में भी आपसे नायरा पूछ रहे हैं आप अवॉइड करो ना आप क्यों ही रिएक्ट कर रहे हो तो उन्होंने शुरुआत करी तो आप आपके पास क्या प्रूफ है ये चीज़ का क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे एक परसेंट ऐसा भी लगा कि व्हाट इफ़ इट्स ट्रू

चाहिए कि नहीं जाना चाहिए यार मुझे नहीं लगता जाना चाहिए यार मतलब यार पे टीम यार पे जो होती है वो वेरीफाई नहीं करती पर यार मेरी देखो लड़ाई आ, मेकर से भी हुई मतलब मैंने जितने भी जितने भी लोगों को मैं जानती थी उ, उस टीम में मैंने सबसे लड़ाई करी और उनका ऐसा कहना है कि उनको नहीं पता था मैंने उनसे पूछा किसी का कहना है कुछ क्रू मेम्बर्स का कहना है कि उनको पता था उन्होंने इंस्टाग्राम देखा था बट बात यह है कि जितना मैंने गेज किया है सारी कन्वर्जेशन से जब वो कास्टिंग के लिए गया था तब उसने शायद इंस्टा और यूट्यूब से हटा दिया होगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सबके एक्सेस गए हैं इसका एक्स ना आया हो और जिस हिसाब से ये लड़की एकदम ब्लाइंडली फॉलो करती है अरबाज की हर बात को तो हो भी सकता है कि मेकर्स ने उसको अप्रोच किया और उसने आने से मना कर दिया हो क्योंकि आई एम प्रटी श्योर अगर वो आती कॉन्टेंट होता लड़ाई होती एंड एवरीबडी नोज हाउ आई रिएक्ट सो इस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि पता था कि नहीं बट मेरे को ऐसा लगता है कि um, इसने बहुत बहुत चालाकी से गेम खेला है इसने जब कास्टिंग वास्टिंग हुई है तब सब गायब कर दिया है लेकिन जब बाहर आया ना तो फर्स्ट थिंग इसने की कि ये सब चीज़ें बाहर कर दी क्योंकि देखो आज अरबाज़ पॉपुलर ही इस वजह से हो रहा है बाहर कनेक्शन वरना कुछ ऐसा है नहीं अगर आप ये कॉन्ट्रोवर्सी हटा दो तो कुछ है नहीं बात करने जैसे अरबाज के बारे में तो आई थिंक इट वॉज़ अ प्री प्लान्ड मूव लेकिन आप कैसे लगता है, है।, हाँ, exactly, है yeah. तो ना स्टार्ट हो गए के के। मुझे ऐसे भेज रहे थे देखो, किसी और के साथ। so funny, भेजा जा रहा है सब मैं क्यों इस चीज का पार्ट हूँ और मैं स्टार्टिंग में अरबाज के बारे में रिएक्ट ही नहीं कर रही थी लोग मुझसे लाइव पे पूछ रहे थे मैं बोलती थी मुझे बारे में बात ही नहीं करनी है तो मेको मुझसे बार 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 वो क्वेश्चन पूछे जाते थे हर इंटरव्यू में हर इंटरव्यू

के रील्स आया करते थे और मुझे निकितम्बोली के रील्स आते एंड पीपल आस्क मी टू रिएक्ट क्योंकि उनको पता है कि नायरा चुप लू रहने वाले लोगों में से नहीं है स्टार्टिंग में मैं चुप थी तो मुझे ये बोला जा रहा था कि शिवित के टाइम पे तो तुमने इतना रिएक्ट किया अरबाज के टाइम पे तुम क्यों चुप हो तो मुझे मजबूरन वो स्टैंड लेना पड़ा और अब तो मेरे लिए स्टैंड लेना ऐसा हो गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं नहीं लूंगी ना तो अगले साल फिर से कोई अरबाज जैसा इंसान आएगा तो पिस तो मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ मैं मतलब आज अगर मैं अरबाज के बारे में बात भी करती हूँ तो लोग कहते तुम अरबाज के बारे में क्यों बात कर रही हो बट मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि उसने उस सिचुएशन में मुझे डाल दिया है आज रील्स के नीचे इतना मजाक उड़ाते हैं कि नायरा क्लाउन हो गई जोकर हो गई वॉट एवर सारी चीजें बट इसमें मेरी क्या गलती है अगर बंदा स्कैम कर रहा है तो उसको अकाउंटेबिलिटी होल्ड करो और जो हेटरेड बाकी कंटेस्टेंट्स को आया है बाहर की चीज़ों को लेके जैसे उन्नति हो गई शोभिका हो गई तो इतना हेट तो अरबाज को मिला ही नहीं मैं नहीं कह रही कोई डिजर्व करता है हेट मिलना बट अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना उस चीज़ की ऑडियंस को जितना इन्होंने बैश बाकी कंटेस्टेंट्स को किया उतना उसको करना चाहिए था उसको बोलना चाहिए था तुमने गलत किया लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो में जो कुछ भी हुआ वो सेम फॉर्मेट पे बिग बॉस में फॉलो किया जा रहा है एग्जैक्टली अरबाज का गेम प्लान ही वही है आप देखो ना अगर आप स्प्लिट्स वाला की जर्नी देखिए तो मेरा स्टार्टिंग में मेरा शिवेद का लड़ाई झगड़ा जो भी था वो दिखाया गया मेरा दिग्विजय से लड़ाई झगड़ा फ्रेंडशिप दिखाई गई सचिन से जो भी मेरे लड़ाई झगड़े हुए वो सब दिखाए गए या मेरा कभी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस चल रहा तो मेरी जर्नी में एलिमेंट्स रहे हैं बहुत सारे अरबाज की जर्नी वॉज ऑल अबाउट नायरा ऑल अबाउट दैट मतलब और अगर आप बिग बॉस में भी देख लो तो निकी तम्बोली को हटा दो तो अरबाज का क्या गेम प्लान है कुछ भी नहीं अरबाज के बारे में शो के बाहर भी बात हो रही है तो उसकी थर्ड बंदी की वजह से तो अरबाज की पूरी कहानी है लड़कियों को लेके ही इज 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 जस्ट 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 आई आई डोंट नो नो ही ही टेकिंग सहारा वुमेन एंड डूइंग ऑल दैट हैव कि उसको किसने सिखाया है क्या है बट दिस इज द डर्टीएस्ट गेम प्लान एवर आई हैव सीन एनीबॉडी यूजिंग अगर बिग बॉस में जाने का अगर आपको मौका मिलता है सिर्फ एक एपिसोड के लिए और सिर्फ मतलब उनको सिर्फ एक्सपोज करने के लिए कि शो में जाएं और आप सच्चाई बताकर आए और पूरा मैटर बताएं कि भाई कि क्या बात है यार क्या आपका मैसेज वहां के के लिए होगा लोगों का ऐसा इच्छा तो है काफी लोग मुझे बोल रहे हैं यू यू शुड शुड गो टू बिग बॉस मराठी एंड डू इट। यार आ, बात पता है क्या है मुझे नहीं पता मुझे जाना चाहिए कि नहीं बिकॉज टेक्निकली मुझे लगता है मुझसे ज्यादा जो लड़की जिसके साथ हुआ है ना ये जो ये। पाँच साल से जिनके साथ है वो उनका जाना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मेरा कोई इमोशनल तो है नहीं कुछ कनेक्शन अरबाज से कि मुझे इमोशनली डैमेज कर दिया तो मैं जाके लड़ रही हूँ या uh, किसी और का है नहीं आई थिंक दैट्स द गर्ल हु नोज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको अपना मुंह खोलने की ज़रूरत है जो एक्चुअली उसको एक्सपोज कर सकती है जो एक्चुअली दुनिया को बता सकती है अगर वो सच्ची है अगर वो स्कैम में इन्वॉल्व नहीं है तो बाक़ी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जाना चाहूँगी बट मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंस होने वाला है बिकॉज़ आई थिंक अगर न, अगर निकी तंबोली उनके साथ जो भी उनका चल रहा है निकी इज़ स्मार्ट आई थिंक मुझे नहीं लगता वो मेरे जैसी है कि उन्होंने उसकी सारी बातों को बिलीव कर लिया होगा बट अगर उनको पता है कि उनकी बंदी बाहर है और फिर भी अगर वो लव एंगल कर रही हैं देन आई एम सॉरी इट इज़ गिविंग अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर एनी वुमेन ऑन टी वी शो और अगर वो एक्चुअली में नाइव है और उनको लगता है कि वो जो कर रहा है वो सच कर रहा है देन आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आई द मी और उनकी जो एक्चुअल वाइफ या इंगेज फ्यन से वड एवर जो भी हैं वो जाएँ एंड इट्स हाई टाइम बट पर्सन लाइक हिम नीड्स टू बी एक्सपोज बिकॉज़ लड़कियाँ एक गेम प्लान का सहारा नहीं हैं लड़कियों के इमोशन्स होते हैं लड़की एक अगर आपसे कुछ यू you नो know, एक इमोशन शेयर करती है तो वो एक इंसान है वो एक खिलौना नहीं है जिसके कंधे पे चढ़ के आप अपना गेम प्लान बना रहे हो लेकिन मुझे मराठी नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई चांसेस है जाने के बट अगर मुझे मौका मिलेगा इवन इफ फॉर वन एपिसोड आई विल मेक श्योर दैट आई गो एंड आई टेल निकी दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड द शो बिकॉज आई एम प्रटी श्योर कि जब वो बाहर आएगी ना तो उस पर भी उतनी उंगलियाँ उठेंगी जितनी मुझ पर उठ रही है चाहे वो गलत हो चाहे नहीं हो बिकॉज हमारे इंडिया में लड़कियों पर ज़्यादा पहले आई आती है चीज़ें लड़कों पर नहीं आती है कि लड़का ये सब चीज़ें कर रहा है लेकिन नायरा आपको नहीं कहीं ना कहीं आजकल के शो के फॉर्मेट के हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि अगर आप लव एंगल बनाएंगे या आप किसी के साथ में दिखेंगे तो शो में आप ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे आई अग्री टू दैट पॉइंट देखो किसी भी शो में ना मसाला चाहिए होता होता है है देखने के लिए जब फीका शो मजा नहीं आता कितनी भी लड़ाई कर लो एक लव एंगल होता है तो लोगों को भी मजा आता है तो आई अंडरस्टैंड कि वो सब करना पड़ता है शो के लिए वो सब कर रहे हो बट अगर आप ये कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज इमोशन देन इट्स नॉट राइट इट्स डेफिनेटली नॉट राइट या तो फिर कि मतलब आपकी बंदी को आप छोड़ देते फिर आते तो बात अलग थी वो बंदी के मैं रील्स लोग भेजते मेरे को सच में समझ नहीं आता कि ये बंदी के साथ क्या हो रहा है और जब से मुझे वो मैसेज आया ना प्रेग्नेंट वाला मेरे मेरे को में को नहीं पता ये बात सच है कि बट अगर ये बात सच है तो आई फील सो बैड फॉर हर सो बैड फॉर हर और पता नहीं वो कौन से डिल्यूजन वर्ल्ड में रहती हैं कि ये शो स्क्रिप्टेड होते सब होते हैं आई रियली फील बैड फॉर हर तो अगर यार फिर मैं यही बोलती हूँ फिर ऊपर वाला है ना अगर आप किसी के साथ इतना गलत करते हो तो आपके साथ भी बहुत अच्छा नहीं होगा एक टाइम ऐसा आएगा जब कर्मा विल हिट यू तो आई थिंक डूइंग अ लव एंगल एट द कॉस्ट ऑफ़ समबडीज इमोशन इज आफ्टर शो में थे नॉट रियली शो के बाद हम लोग टच में नहीं थे uh, मतलब हम लोग जब वहाँ से निकले थे हम निकल हम निकल गए और वहाँ के बाद हमारी कभी बात नहीं हुई ग्रुप में बहुत वियर्ड सी चीज़ें होती थी कि जैसे ग्रुप में मैं कुछ भी लिखती थी ही यूज़ टू रिएक्ट टू इट ही ऊस टू सेंड मैसेज मैं इग्नोर करती थी हमेशा मतलब उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है बातें पूरी खत्म करके निकली ख़त्म करके निकली मतलब मैंने उसको सिर्फ बाय किया था एंड थोड़ी इमोशनली अटैच तो थी उससे तो आई हक डिम फॉर द लास्ट टाइम क्योंकि मैं मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि क्या हुआ है मेरे साथ तो तब तक मैंने इंस्टाग्राम देखा नहीं था मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि इतने लेवल का कुछ बाहर चल रहा है तो मैंने सिर्फ हक किया था बिकॉज आई वॉज फीलिंग रियली बैड वेन ही वॉज गोइंग उसके बाद मेरी कभी बात नहीं हुई लेकिन आ, मैंने एक स्टोरी डाली थी आ, हम मतलब अरबाज और मेरे फेवर में डाली थी एक टास्क को लेके तो ही रिप्लाइड टू दैट स्टोरी मैंने इग्नोर किया फिर मैंने कुछ और एक स्टेटस डाला जो अरबाज को एक्सपोज एक किया उसका एक रिप्लाई आया मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया फिर मुझे किसी ने कुछ तो मैसेजेस भेजे थे कि अरबाज ने लोगों को ऐसा बोला है कि नायरा की इंजरी की वजह से हम हार गए तो मेरे को गुस्सा आया तो मैंने ग्रुप में वो चीज़ की अकाउंटेबिलिटी मांग उससे तो ही कॉल्ड मी आई थिंक टू टाइम्स अराउंड ट्वेल्व थर्टी ए एम रात के मैंने वो दोनों फ़ोन नहीं उठाए और उन्होंने मतलब मैसेज पे भी वो ऐसे कैजुअली बात करते थे ग्रुप में लेकिन मैंने हमेशा से अवॉइड किया क्योंकि जिस दिन से मुझे ये लग गया था ना कि इनकी बंदी है बाहर मैं इनके साथ एसोसिएट ही नहीं होना चाहती थी मैं नहीं ऐसी लड़की हूँ कि मैं इतनी डेस्परेट हूँ या ऐसी हूँ कि मैं इतना सब होने के बाद भी उन उनके साथ वो रखना चाहूँ कि तुम्हारी बंदी भी है और मैं मतलब ऐसी उस सिचुएशन में हूं तो मैंने उनसे कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहा बट उनकी तरफ से मुझे दो मैसेजेस इंस्टा पे दो कॉल्स फोन पे ग्रुप में भी बहुत रैंडम ऐसे रिप्लाईज आए हैं लेकिन मैंने हमेशा से इग्नोर ही किया है और मैं नहीं बात करना चाहती पॉडकास्ट पर आप दोनों साथ में <coughs> नजर आई थी क्या उस वक्त की बैक स्टोरी थी क्या आपके माइंड में उस वक्त चल रहा था यार ऑनेस्टली ऑनेस्ट बैठ के सामने से क्या देता है कि भाई बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों शादी करेंगे यार मेरे लिए ना वो पूरा पॉडकास्ट बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि uh, पे कि वो भी आने वाले यार पता नहीं था बट हिंट तो ऑफकोर्स थी क्योंकि पहले भी वो हिमांशु और आशिका वाला हुआ था तो आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा भी था वो आ सकता है तो इतना कुछ वो बहुत बड़ी बात नहीं थी बट देन जिस तरीके से उसने बिहेव किया वो एक्सपेक्टेड नहीं था मतलब ही वॉज़ वेरी अग्रेसिव वेरी अग्रेसिव श्रेया को भी ना मतलब ऐसा हो गया था कि श्रेया उस, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी वो नहीं कर पा रही बिकॉज वो इतना अग्रेसिव हो गया था वो इतना आई डोंट नो इतना गंदा इंसान लगाना मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं रो रही हूँ मैं बहुत कम रोती हूँ भाई अगर मेरे को अगर मेरे को ना मेरा ऐसा है ना कि अगर मुझे रोना आता है ना मेरे आंसू यहाँ तक अटक जाते हैं यहाँ से लाने में मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं फेक तो रो ही नहीं सकती हूँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम ही है मेरे लिटरली आंसू आ गए मैं इतनी ज़्यादा डाउन फील कर रही थी और वो बंदा मिमिक कर रहा था मेरे इमोशंस का कि आपने इसको टिश्यू दिया मैं लड़का आपने मुझे नहीं दिया उसने रो के दिखा दिया एंड उस पॉडकास्ट में ना वो पॉडकास्ट हमारा जो हम दोनों का हुआ उसके बाद मेरा सोलो पॉडकास्ट होना बाकी था मैं बहुत लेट पहुंची थी तो वो नहीं हो पाया था और मैं रेडी नहीं थी मैंने लिटरली मैंने श्रेया को बोला मैं नहीं कर पाऊंगी मेरे मेरे इमोशन संभल ही नहीं पा रहे हैं और मैं उस वक्त ऐसा फील कर रही थी कि एक इंसान ने तो गलत किया उसके बाद उसने इतना गंदे तरीके से बिहेव किया इतना अग्रेसिवली बिहेव किया इतना चिल्ला रहा था वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था वो मुझे बात नहीं करने दे रहा था बिकॉज उसको पता है कि मैं बात करूंगी मैं फैक्ट्स बोलूंगी तो आप अपनी आवाज़ ही ऊँची कर लो कि बंदा बोल ही ना पाए तो मेरे को इतना ह्यूमिलिएटिंग फील हो रहा था ना उस पॉइंट ऑफ टाइम इतनी डाउन थी कि मैंने बोला मेरे को अपना इंट्रो करना ही नहीं है तो श्रेया ने मुझे बोला कि ते को इंट्रो करना ज़रूरी है तेरी तेरी कहानी लोगों तक जाना जरूरी है अगर तू नहीं बोलेगी लोग तेको गलत समझेंगे तो इट्स इट्स बेटर दैट यू डू इट एंड आई वॉज नॉट रेडी मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी मुझे लिटरली मतलब श्रेया ने बहुत ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ टाइम में मोटिवेट किया बोला कि नहीं नायरा यू शुड डू इट एंड बहुत बहुत रोने धोने के बाद आई डिसाइडेड कि चलो करते हैं क्योंकि इंट्रो क्या था इंट्रो आपका ऐसा चाहता है लवी डवी हो अच्छे तरीके से बात कर रहे हो सब बढ़िया चल रहा है फिर वो ऐसा सेगमेंट जाने वाला था ना तो अब आपको ऑलरेडी इमोशनल ड्रेनेज हो चुका है तो आप वैसे कैसे हैप्पी वाले जोन में जा सकते हो तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और अब यकीन नहीं करेंगे वो इतने लड़ाई झगड़े हुए थे कि आई थिंक सात आठ कार्ड फुल हो चुके थे उनके कार्ड में स्पेस भी नहीं बचा था शूट करने के लिए इतना ज़्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी थी उस पॉडकास्ट में <coughs> तो वो पॉडकास्ट मेरे लिए डिफ़िकल्ट था बट आई एम सो ग्लैड दैट श्रेया डिड इट एंड आई डिड इट बिकॉज उस पॉडकास्ट की वजह से अरबाज़ का असली चेहरा सामने आया बिकॉज शो तक तो ही वॉज़ अ स्वीट बॉय ही इज़ नॉट अग्रेसिव बहुत अच्छा लड़का है तमीज़ से बात करता है वो पॉडकास्ट में लोगों ने देखा कि कितना पथेटिक इंसान वो है कैसे वो एक्टिंग कर सकता है रोने की कैसे वो एक इंसान के इमोशन का मजाक बना सकता है और कैसे जब मैंने एक्सपोज किया मैंने कशिश को कॉल किया मैंने एडी को कॉल किया वहाँ पर ही मैंने प्रूव कर दिया था कशिश बोला था कि मैंने नायरा को नहीं बताई ये बात पहले, मेरा गेम प्लान हो जाता तो वहाँ पे मैंने, मुझे मौका मिला करने का उसको. तो, या तो वो किसी को मार देगा या तो वो कुछ फेंक देगा के वो बहुत अग्रेसिव था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शो के अंदर की कर बात करूं तो कौन सबसे आपको फेक लगा है जिसने अपना चेहरा एंड तक नहीं दिखाया लोगों को यार मुझे ऐसा लगता है दिग्विजय मुझे पता है बहुत गाली पड़ेगी बहुत लोग गंदा गंदा लिखेंगे क्योंकि ना पता है क्या सबसे मेजर चीज़ जो हुई जो टी वाला टास्क था ठीक है उसमें ना जो उन्नति के बारे में लिखा गया था कि शी हैज़ अ शफ आउटसाइड वो लिखने वाला दिग्विजय था ये बात किसी को नहीं पता है और ये बात मुझे खुद अभी थोड़ा टाइम पहले पता चली है एंड अभी लोगों का ये भी कहना था मैंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया सो वहाँ पे जो चीज़ लिखी थी मुझे पता था ये मेरे अलावा और कौन ही लिखेगा तो मुझे लगा मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट करके लिखा गया है तो मैंने अपने वीडियो में भी माना मैंने सामने भी माना बट सामने मानने के बाद जब उन्नति टी फेंकने आई थी तो मैंने yeah. दि दिग्विजय ने ऐसा बोला भी उन्नति को उसने मान लिया बट मैंने दिग्विजय को बोला कि नहीं मैंने नहीं लिखा बिकॉज मैंने उसी पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि मेरे ये वर्ड्स नहीं थे सिचुएशनशिप वाला वर्ड था ही नहीं मेरा तो फिर मुझे लगा कि शायद इशिता ने लिखा होगा इशिता से मैंने कन्फर्म किया तो इशिता ने मुझे, सबसे पहले मुझे बताया इशिता ने कि ये दिग्विजय ने लिखा है तो मुझे लगा रूमर होगा मे बी यू नो एक, एक, एक होगा yeah. क्योंकि मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि उसने लिखा होगा फिर जब मुझे अभी पता चला कि जो मेकर्स की टीम थी उसी में ही उन्होंने बताया कि ही वॉज़ द वन जिसने लिखा है और उसे बोला भी गया था वीडी में एक्सेप्ट करने को कि तूने लिखा है बट ही डिनाइड एक्सेप्टिंग दैट इन वी अब आप एक चीज़ सोचो कि ये जनता में किसी को नहीं पता है कि अपने ही कनेक्शन के बारे में लिखने वाला वो है और उसके बाद पूरे एपिसोड का विलन मुझे बनाया गया आप मुझे स्नेक स्नेक बोला जाता है एक्चुअल स्नेक तो वही निकला ना कि मुझे पूरा का पूरा गलत बनाया गया जबकि मैं वो सब कर करी थी आप ही को बचाने के लिए मुझे कोई जलेसी कोई ग्रज नहीं था उन्नति से बट मैंने आपको ही बचाने के लिए वो चीज़ें आपको बताई और आपने ही मुझे उस चीज का विलन बना दिया एंड भगवान का शुक्र है कि मुझे वो क्रू से पता चल गया कि वो लिखने वाला वो था इमेजिन अगर मुझे नहीं पता चलता मैं तो थ्रू आउट कभी मुझे पता ही नहीं होता कि उसने लिखा है तो और पता भी चला तो इतना एंड पे कि मतलब उस चीज़ का कोई बिलीव करेगा नहीं कोई मानेगा नहीं विच इज ओके आई डोंट केयर बट आप सोचो कि इतना बड़ा मूव शो में आपने कर दिया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ओ यू आर ऑनेस्ट जब स्टार्टिंग में वो उन्नति वाली बात भी थी डम जो बोला गया था आकृति ने बोला हमें पता था दिग्विजय ने बोला है हम में से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इशिता को भी पता था रूरू को भी पता था मुझे भी पता था बहुत से लोगों को पता था कि वो दिग्विजय ने ही बोला है बट जस्ट बिकॉज वो हमारा दोस्त था हमने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अब सोचो कि जनता को पता ही नहीं है कि एक्चुअल चीज़ क्या है लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि आकृति फेक है लोग हर्ष को बोलते हैं बट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोई चीज़ें छुपाई हैं और एक अलग पर्सनैलिटी या अलग चीज़ स्टैब्लिश की है तो वो था है और मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना तो मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आज मेरी उससे बात नहीं होती या मेरा वो दोस्त नहीं है बट जो उसने किया है ना विच वॉज़ वेरी वेरी रॉन्ग स्पेशली वि मतलब मैंने कभी गलत इंटेंशन से उसका कुछ नहीं किया हमेशा प्रयोरिटी पे रखा और जब मुझे ही पूरा उसका विलन बना दिया गया ना फिर मुझे लगा कि नहीं यार दिस इज तो सो रॉन्ग yeah. तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अगर किसी ने फेक पर्सनैलिटी रखी है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस फ्रेंड्स या उसमें नहीं बट ऑडियंस के सामने एक अलग चीज दिखाना और एक्चुअली में अलग होना था वह कौन ऐसा हुआ करता था जो कैमरे पे कुछ और है लेकिन कैमरे के सामने कुछ और है ये तो हर्ष आकृति है जैसे आकृति का ऑफ़ कैमरा हमेशा थोड़ा साइलेंट थोड़ा नॉर्मल रहती थी और ऑन कैमरा अचानक से एकदम लाउड हर्ष का भी ऐसा था कि ऑन कैमरा एकदम मैं राजा हूँ मैं शेर हूँ मैं स्टार हूँ ऑफ़ कैमरा एकदम डिसेंट मैं ऑफ कैमरा वो बहुत बढ़िया इंसान है लोग हर्ष, बहुत गलत हर्ष। समझते हैं हर्ष जैसे सेम गैरी का भी हुआ था रोडीज okay. में लोगों को लगता था गैरी लड़ता है ये करता है बट देन इन रियल आप उससे मिलोगे वो बहुत चीयरफुल था ये हमको बाद में पता चला वैसे ही सेम हर्ष का भी है कि हर्ष और मेरी बॉन्डिंग शो में हमेशा अच्छी रही है बिकॉज मैंने ऑफ कैमरा तो बात की है तो मुझे पता चला कि ये इतना है नहीं बंदा जितना ये ऑन कैमरा इतना इरिटेटिंग दिखाता है खुद को ही इज अ फन पर्सन इज अ गुड पर्सन

स्पलिट्स फिलहाल में अलग ही फॉर्मेट था हम सात बजे उठते थे अपना ब्रेकफास्ट करके आते थे वापस सो जाते थे फिर कैमरा हमारे रूम में आता था तो लोगों को लगता है कि दैट्स द फर्स्ट टाइम वी आर वेकिंग अप बट नो हम पहले ही उठ चुके हैं हम वापस आके सोए हैं एग्जैक्टली exactly, फिर जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि तीन चार कैमराज एक इस ग्रुप पे एक उस ग्रुप पे बट जो लड़ेगा जो मिर्च मसाला देगा वही कैमरा ज्यादा देर तक रुकने वाला है तो ये ये सबको पता तो होता है जब ये लड़ाई हो रही है तो सबको पता है कि भाई कैमरा में कवर कर रहा है हाँ एक्जैक्टली तो आप देखो ना कि अगर मैं तो मोस्टली जितनी भी इतनी लड़ाई होती थी मैं कभी आती नहीं थी मुझे पता था ये सब आधी चीजें फेक हो रखी है मैं और अरबाज अलग अपने रूम में बैठ के बात कर रहे होते थे अब इनको देखो कोई झुंड में बात कर रहा है किसी की लड़ाई हो रही है बिना बात की हो हो रही रही है है मतलब और सबसे वियर्ड चीज़ कैमरा बंद तो वो लड़ाई नहीं हो रही है। अरे कैमरा बंद करो तुम लड़ाई अभी जो करनी करनी है करो बट ऑन कैमरा ही सब चीजें हो रही है पता नहीं क्यों तो ये थोड़ा कैमरे का है कि आ, बट मेरे को नहीं लगता गलत भी है क्योंकि जब आप रियलिटी शो में होते हो तो अगर आप नहीं दिखोगे तो आप बिकोगे भी नहीं ना तो आपको लगता है कि जब दिग्विजय ने ये बात बोली कि बस आज की रात हो है कल मैं स्पिट्सला की ट्रॉफी उठाऊंगा हाँ। और कैमरा जब उनके ऊपर हाँ, हाँ। तो वो सब सारी चीजें क्या देखो उसको उसको ये नहीं बोलूंगी, मैं कैमरा के लिए थी बट वो बहुत स्मार्ट है उसको सब पता है कि किस डायलॉग पे क्या रील कटेगी उसको सब पता था कि किस चीज़ पे कौन ट्रिगर होता है किस चीज़ पे क्या होता है वो उस चीज में बहुत स्मार्ट है और ये रोडीज किया है ना रोडीज के बाद तो एक फॉर्मेट बन गया था yeah. रोडीज में आप देखते अगर आपने देखा होगा एक एपिसोड पे एक यहाँ से रील आ रही है वहां से दूसरे राइवलरी की वहां से रील आ रही है तो इनको ये समझ में आ गया था कि ये डायलॉग पे ये रील कटने वाली ये डायलॉग पे ये मीम बनेगा उनको सब पता है मुझे भी पता था कि जैसे अगर मेरे साथ कुछ हो रहा था तो मेरा भी ये मीम बनेगा तो सोचती थी मैंने परफॉर्म किया तो परफॉर्मेंस का रील बनेगा अब एक शो के बाद आपको समझ में आ जाता है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसने वो सिर्फ कैमरे के लिए किया बट इमोशंस हाँ, होंगे जनरली शो जीतना कौन नहीं जीतना चाहता है बट समवेयर सबको पता होता है कि ये बाहर दिखेगा कैसे आप अगर जैसे मान लो किसी से जेस्टर कर लेते हो आपकी लड़ाई हो गई बट आप कैमरे के सामने सुलह कर लेते हो तो पता है कि ऑडियंस के सामने रिस्पेक्ट देखो राइवलरीज है फिर भी तुम दोस्त बन गए या तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया तुमने हंसी से वो चीज निकाल दी तुमने प्यार से निकाल ये दिया आप शिवेत के बोल रहे नहीं 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 मैं एक जनरल वे में बोल बोलती हूँ बोला है कि भाई तू अगर हारता तो मुझे ज्यादा खुशी होती लेकिन तू पे फिनाले खेल ही नहीं पाया हाँ हाँ यार देखो शिवेत का तो मैं नहीं बोलूंगी बहुत बहुत अलग अलग चीजें करता है एक दिन कुछ और करता है उसे दिन कुछ और करता है तो उसका तो मुझे नहीं पता बट मैं एक पर्सपेक्टिव बता रही कि जब yeah. जब आप अब आपका कोई गलत करता है और आप अच्छा कर देते हो तो आ जाती है अरे yeah. यार ये बंदा देखो वो ऑडियंस का ना ना रिस्पेक्ट वर्ड यू से यू होता है जब जैसे आप देखो जनता जोरी वाला एपिसोड था उसमें शिवेद के लिए इतना इतना गलत इतना लोग लिख रहे थे सब लिख रहे थे बट जैसे ही लास्ट एपिसोड में उसने दिग्विजय को हक किया तो सडनली वाह वाहि होने लग गई तो एक एपिसोड एक क्लिप आपका नैरेटिव चेंज कर देता है एंड ये कंटेस्टेंट्स को पता है सबको बस ये आप आपको वही समझना होता है मैंने कभी नैरेटिव के हिसाब से गेम नहीं खेला मेरे को अभी लगता है कि हाँ अगर मैं नैरेटिव के हिसाब से गेम खेलती मैं सोचती कि यार ये इंसान ज़्यादा पॉपुलर है बाहर इसके साथ अच्छा करो तो मैं अच्छी दिखूंगी ये बहुत कैलकुलेशन बिठा के अगर कोई जाएगा ना तो गेम प्लान बहुत बढ़िया होगा सबसे ज्यादा कैलकुलेशन किसने बिठाइए दिग्विजय आकृति दोनों दोनों ने क्योंकि आकृति तो प्रिपेयर कर ही रही थी स्प्लिट्स के लिए जितना मुझे पता है ये दोनों की बात बात भी हो रखी थी साथ में खेलने की बट देन जशवंत केम इन द पिक्चर सो दिग्विजय वेंट आउट ऑफ द पिक्चर बट आप देखो दोनों के गेम प्लान में बहुत सिमिलैरिटीज़ है जैसे आकृति किसी के बीच में बोलती है, वैसे ही दिग्विजय भी किसी के बीच में बोलता है जैसे ही दिमाग आकृति चलाती वैसे ही दिग्विजय भी चला रहा है सो so, दोनों ने बहुत कैलकुलेटिव गेम खेला है दोनों को पता है कब क्या करना है क्या नहीं सो विच इज़ अ गुड थिंग आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग अगर किसी चीज़ को पाने की भूख है

नहीं ऑनेस्टली आई डोंट फील सो हाँ अगर मतलब जैसे लोग कहते हैं कि आपके साथ हुआ होता तो आपको समझ में आता हाँ शायद अगर कशिश मेरे साथ भी करती तो मुझे भी गुस्सा आता तो दिग्विजय का उस चीज़ को दिल पर लेना बिल्कुल सही है ठीक है लेकिन कशिश भी अपनी जगह सही है क्योंकि यार कशिश का ना स्टेटमेंट कुछ गलत हो गया जैसे उन्होंने बोल दिया कि मेरा एक लाख का रेंट है उनका या। उनका कलेक्टिवली उसका मतलब था क्योंकि उसने ये चीज़ बताई हमको कि उसकी जॉइंट फैमिली है उसके फ़ादर के ऊपर उसकी फैमिली का बर्डन है जैसे उसके जो और भी रिलेटिव्स और कज़न जो भी उन सबका है तो कलेक्टिवली एक लाख उसके ऊपर है और ये चीज मैं समझ सकती हूं बिकॉज आई कम फ्रॉम अ पुअर क्लास फैमिली एंड मेरे यहाँ भी ऐसा होता है जैसे लोग मुझे देखते हैं कि हाँ मैं अच्छे कपड़े पहनती हूं मैं ब्रांड्स पहन रही हूँ तो मतलब मैं पैसे वाली हूँ हम इन्फ्लुएंसर का आधा चीज़ फ्री में आ रहा होता है हर चीज़ फ्री में आ रही होती है कपड़े जूते मेकअप स्किन केयर एवरी थिंग दैट वी आर गेटिंग इज फ्री सो जस्ट बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे ये दिखाते कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी था मीन कि हमारे जिम में भी उतना पैसा है आज जब रोडीज हुआ था रोडीज में मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाता था आई डिन नॉट हैव अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी टू पे फॉर माई फ्लाइट टिकट्स लोगों को तो ये लगता है कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो बहुत पैसा होगा दे डोंट नो कितनी ई एम आई कितने लोन्स हैं आपके ऊपर तो आज कशिश ने जो किया अगर मुझे लगता है कि अगर आप एक तरफ अपने माँ बाप की देखो कि उनके सपने हैं उनको एक बेटर लाइफ देनी और एक तरफ आप किसी और का सपना देखो तो ऑफकोर्स आपकी फैमिली का बेटर लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा तो कशिश भी अपनी जगह सही है दिग्विजय भी अपनी जगह सही है आज अगर दिग्विजय की जगह मैं होती तो शायद मैं तो बहुत लड़ती उसने तो बहुत कामली बिहेवियर मैं भी बहुत लड़ती बट यहाँ बात क्या हो रही है कि दिग्विजय को हिंट था ऑलरेडी

I am able to understand this point कि जब मैं और दिग्विजय भी समझ में आ गया था और जब आपको ये बोला जाए कि पावर का शो नहीं है तो वहीं क्लियरली कंफर्म हो चुका है कि आप और दिग्विजय नहीं जीतने वाले हो तो अब अब मुझे एक चीज बताओ एज एन इंडिविजुअल आपको पता है ही नहीं वाले हो तो आप शो से क्या लेके जा सकते हो पैसा दैट्स इट तो अब अगर वो उसने और ऐसा भी नहीं कि उसने दिग्विजय को बताया ही नहीं उसने उसको हिंट दिया था उसको बोला कि उसका बोला गया है कि शो जीने पे ध्यान दो, दो. तो अकेले रख लिया यार uh, मुझे फिनाले, नहीं फिनाले नहीं खेलने को मिला बिकॉज मुझे मुझे तो नहीं लगता पैसे की भूख थी दिग्विजय को कहीं से जरूरत जैसा कशिश को है उसको फिनाले खेलना था तो ऑफकोर्स कशिश के डिसीजन की वजह से फिनाले नहीं खेल पाया तो वो तो इमोशन आएगा ही आएगा सो तो है नहीं कि आपको बता दिया है तो वो रिएक्ट ही ना करे बट द ओनली थिंग इज कि उसको पता था और एक क्लिप कट हुई है उस पर्टिकुलर एपिसोड में वो आगे आया और उसने बोला उसने एक नाम लिया जो टीम में से था yeah. उसने बोला कि मुझे पता है आपने कशिश को बोला ये चीज करने के लिए और मुझे ये भी पता है कि यह क्लिप कट हो जाएगी लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है तो ही न्यू कि कशिश की गलती नहीं थी अब जैसे लोगों का ये कहना है कि गन पॉइंट पर नहीं किया था बट आप एक चीज ये देखो ना कि जब आपको ये क्लियर कट ही बोल दिया गया है इनडायरेक्टली कि आप शो जीतोगे ही नहीं तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मनी चूज़ नहीं करेगा फिर तो आपको क्या मिला अब मुझे एक चीज बताओ आपको शो जीतने को भी नहीं मिलेगा आपको पैसे ये नहीं, नहीं मिलेंगे ये किसको बता था कि शो नहीं जीत पाएंगे क्या लगता था इनको हिंट दी गई थी हाँ कशिश को बोला गया था कि शो जीतने पे नहीं जीने पे ध्यान दो मैं नहीं बोलूंगी किसने बोला क्या बिकॉज़ लेकिन, लेकिन एक चीज मैं यहां पे ऐड ऑन करना चाहूंगा जब आप टास्क परफॉर्म करते हैं हां तो लेकिन वो तो उसके बेसिस पे आपको विनर मिलेगा ना यार ये तो थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं देना चाहती हूँ बट मैं यही बोलूंगी कि आ, शो के विनर फिक्स होते हैं नहीं यार विनर फिक्स नहीं होते बट एक पता है क्या होता है नैरेटिव होता है अफकोर्स okay. होता है जैसे मेरा और दिग्विजय का जब था ना तो जब ये बोल दिया गया था कि ये प्यार का शो है दोस्ती का शो नहीं है तो मैंने इस चीज़ पर फोकस ही नहीं किया कि भाई दिग्विजय और मैं टास्क जीत सकते कि नहीं मुझे पता था ये नेरेटिव है मेरे दिमाग में कि हम एज अ फ्रेंड नहीं जीत सकते चाहे जो हो जाए ये मेरे दिमाग में आ गया था तो पावर गिवअप करना वो वो क्वेश्चन मार्क ही नहीं था तो वैसे ही जब कशिश को भी बोला गया तो उसके दिमाग में इतना कंफर्टेबल होना एक okay. दूसरे के साथ हो सकता है जीत भी जाते बट एक वही बात है ना कि जिस इंसान को पैसे की जरूरत है जिसको पता है कि यह एक मनी आपकी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकती है और यहां पर प्रोबेबिलिटी हंड्रेड परसेंट है मतलब यहां पर हंड्रेड परसेंट श्योर है कि तुम्हारे फैमिली की लाइफ अच्छी हो जाएगी ई एम आई चले जाएंगे ऑप्शन तो को वो डिनाई करोगे और या फिर अगर दिग्विजय आपका क्लोज फ्रेंड होता कनेक्शन होता तो एक होता ना दिल में क्वेश्चन भी आता कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ वो दोनों कभी दोस्त भी नहीं थे दिग्विजय तो उसको उड़ाने वाला था हम मैं और दिग्विजय हम बैठे थे क्यू कार्ड में दिग्विजय कशिश का नाम लिखा था मैंने कशिश का नाम हटवाया कि नहीं वो मेरी दोस्त है तो अगर कोई इंसान आपको उड़ाने वाला था तो आप उसके बारे में क्यों सोचोगे अगर वो तो हाँ एग्जैक्टली तो क्या क्या तो दिग्विजय ने दिवांगी नहीं और देवांश को नहीं उड़ाया क्या दिग्विजय ने खनक को नहीं उड़ाया क्या ऐसे तो खनक और आदित्य को अलग करने वाला दिग्विजय था तो फिर वो वहाँ ह्यूमैनिटी नहीं एग्जिस्ट करती वहाँ पे इमोशंस एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करते क्या खनक का सपना नहीं होगा शो जीतने का या या देवांश देवांगिनी का सपना नहीं होगा जीतने का थोड़ा okay. उसने भी तो तोड़ा ही ना दूसरों का सपना क्योंकि ही वॉन्टेड टू सर्वाइव एंड आई थिंक दैट्स वॉट कशिश डिड सो आई एम नॉट कि कशिश ने सही किया या दिग्विजय ने सही किया दोनों अपनी जगह सही है आज um, मैं क्योंकि मैं ना ये चीज़ समझ पा रही हूँ मेरी मैं भी अपनी फैमिली को वो लाइफ देना चाहती हूँ मैं भी चाहती हूँ कि मैं पापा को बोल दूँ कि यार वो काम करना बंद कर दो कैसा लगता है कि दिग्विजय कहीं ना कहीं कार्ड खेलते हैं आ... मुझे तो लगता है क्योंकि जिस तरीके से उसने पोर्ट्रे किया ना मतलब उसको पता था कि क्या हुआ है क्यों हुआ है शो के बाद वो कशिश से मिला भी इन्होंने साथ में जो भी पार्टी वार्टी की एंड कशिश ने ऐसा बताया कि शॉर्ट्स वॉट्स भी पिए हैं लोगों ने साथ में और इसने उसको बोला भी कि तुझे पता है ना मैंने क्यों किया तो दिग्विजय ने ऐसा बोला भी कि यार मुझे पता है शो है ये होता है या तो फिर ये होता कि शो के बाद वो कशिश का चेहरा ही नहीं दिखता बोल देता कि तूने मेरे साथ गलत किया मुझे कभी वो करना नहीं है तो मैं वो चीज़ बोलती कि हाँ ये चीज़ सही करी है जब तुम शो बाद नॉर्मल हो चुके हो तुम उसको बोल भी रहे हो कि हां मुझे पता है क्यों और आपको पता भी है कि वो क्यों हुआ है आपको पता भी वो क्लिप नहीं लगेगी फिर आप बाहर ऐसे दिखा रहे हो कि यार इसने ऐसा कर दिया इसने वैसा कर दिया या तो फिर थ्रू आउट वो रखना था वो ना एपिसोड के हिसाब से चीजें करते वो चीज मुझे बहुत गलत लगती है कि जैसे आज मेरे साथ भी जब ये चीज़ें हुई शो के बाद उसको तो पता था मैंने उन्नति के लिए क्या बोला है क्या नहीं बोला है तो शो के बाद तुम तो मेरी भी शक्ल नहीं देखते तुम तो मुझसे भी बात नहीं करते तुम तो बात कर रहे थे नॉर्मली अचानक से एपिसोड के हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट तो मैं मुझे नहीं पता सिंपतियाँ क्या है बट वो एपिसोड के हिसाब से एक नेगरटिव सेट करता है तो वो विच इज रॉन्ग क्योंकि उसको पता था कशिश ने क्यों किया है कशिश को किसने बोला सब कुछ पता था उसको लगता है आपको कि ने कहीं कहीं ना कशिश को कर लिया पे नहीं, इट वॉज नॉट मुनवर

यार ये तो कशिश ही बता सकती है इतना एग्जैक्ट तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कब एग्जैक्टली हुआ बट हमें पता था कि ये हुआ है कुछ तो कि उसको बोला गया है और ये खुद दिग्विजय नहीं बताया था मतलब मुझे तो पता भी नहीं था ये तो okay. दिग्विजय ही नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा उसको बोला है ऐसा सा होने वाला है फिर खुद कशिश ने भी बताया तो फिर वी वो लाइक हाँ ऐसा होने वाला है शो के अंदर जो बॉन्ड बने हैं दिग्विजय के और उन्नति के हाँ क्या लगता है ये बॉन्ड आपको जेन्यन लगता है यार मैं पता है देखो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज शो के बाद मुझे नहीं पता उनका क्या सीन है क्या नहीं एंड आई होप अगर जेन्यन है तो इट शुड लास्ट लॉन्ग आई डोंट हैव एनी थिंग अगेंस्ट देम बट शो के अंदर देर वॉज एनी बॉन्ड फ्रॉम उन्नतिज एंड मतलब उन्नति का मुझे नहीं लगा मुझे दिग्विजय का ही लग रहा था कि ही वॉज गेटिंग अटैच एंड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई ट्राई टू वर्न हिम बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये इमोशनली हर्ट ना हो जाए इन सारे प्रोसेस में बाकी मुझे शो के बाद तो मुझे नहीं पता है कि किसका एक्चुअली में कितना बॉन्ड है आईव नो आइडिया अभी मुझे लगता है कि जब शो खत्म होने के दो तीन महीने बाद समझ में आने वाला है कि किसका एक्चुअली में रियल real है रियलिटी शोज़ के रिलेशनशिप पर कितना भरोसा अब आपको है बिल्कुल भी नहीं ज़ीरो परसेंट जीरो मतलब कोर्स कुछ एक्सेप्शनल केस yeah. होते हैं जैसे हर्ष और वोशाली का तो मतलब अच्छा खासा सामने लोगों को दिख रहा है कि लोगों को लग रहा था फेक है मुझे भी लग रहा था बट नाउ दे आर टुगेदर दे आर लिविंग टुगेदर सो ऐसे कपल को देखे होप मिलती है कि हाँ यू कैन गेट लव बट प्रोबेबिलिटी कितनी कम है यार मतलब कितनी कम है ऐसे रिलेशनशिप लेकिन कशिश को अभी जो हेट मिल रही है हाँ क्या लगता है आपको क्या वो हेट डिजर्व करती है यार वो लाइफ पर भी आई रोई भी और उन्होंने कई सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बोली है। मैं बोलूँगी कि हेट तो यार देखो आ, नहीं डिजर्व करती है अब जैसे यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि आकृति के, के केस में तो सब चुप रहे हैं के केस के में तो लोग बोलते हैं हेट मिलना चाहिए कशिश के केस के में क्यों नहीं पता है हेट के बिना एक नेगेटिव होते हैं अब जैसे बाकी लोगों ने जो चीज़ें की ना वो इस वे में की कि उनको बोला नहीं गया वो उनका चॉइस था वो चीज़ें करने का उनके दिमाग में नैरेटिव नहीं डाला गया था कि तुम ये सब करो तो तुमको ही मिलेगा अरबास को किसी ने नहीं बोला कि तू फेक लव एंगल कर अंदर जाके या आकृति को नहीं बोला कि वीडियो में किसी को चिंटू बोला किसी को ये बोल कशिश को बोला गया और यहाँ पर ना आप एक चीज देखो कि किस कॉज पर उसने वो डिसीजन लिया है इफ़ यू नो द द रीज़न वॉज हर फैमिली द रीज़न वॉज नॉट हर कि मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है या मेरे सपने हैं वो उसका रीजन देखो वो चीज़ करने का और हेट का भी पता लेवल होना चाहिए जैसे अगर चाहे कोई भी हो आकृति हो अरबाज हो कशिश हो आप ना उसके जो चीज़ उसने की है आप उस पर बोलो कि वो चीज़ गलत है आप उस पर वो करो आप सीधा उसके ना अपब्रिंगिंग पे चले जाते हो उसके बाद उसके पीछे चीजों पे चले जाते हो एज ऑडियंस वो गलत है एक दूसरे को आप बोल सकते हो क्योंकि अब जैसे दिग्विजय के साथ अगर गलत हुआ तो दिग्विजय का राइट बनता है हाँ वो दस चीज़ें बोले उसके साथ हुआ है गलत वो बोले उसको जो बोलना है लेकिन एज ऑडियंस किसी को इतना राइट मिल जाता है कि वो लोग थ्रेट्स देने लग जाते हैं मतलब इतने गंदी गंदी चीज़ें लिखी है ना लोगों ने yeah. कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा लिख सकता है मेरे केस में तो हुआ था मैंने तो अपना इंस्टा ही डीएक्टिवेट कर दिया था रोडीज के टाइम में इतना गंदा हेट आया लेकिन ऑडियंस को इतना राइट नहीं होना चाहिए कि कोई किसी के इतने कैरेक्टर पे चला जाए हम कंटेस्टेंट्स आपस में बोलते हैं क्योंकि हम लोग उस उस सिचुएशन में रहे हैं हमको एक दूसरे की चीज़ें पता है और हम हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हमारा हीट ऑफ द मोमेंट में बोलना समझ में आता है हु गिव दीज ऑडियंस द राइट टू यू नो ह्यूमिलिएट समन टू से ऑल दैट आप अकाउंटेबिलिटी के लिए बोलो हाँ ठीक है आप व्यूअर आप हो आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो आप उस चीज़ पर उठाओ अपनी जैसे मैं अरबास के किसमें बोलती हूँ कि ऑडियंस को बोलना चाहिए कि उसने गलत किया है बट दैट डजेंट मीन कि आप किसी के कैरेक्टर पर ही चले जाओ उसको रेप थ्रेट देने लग जाओ आज अगर अरबास को भी कोई ये बोलेगा मैं तेरे को जान से मार दूंगा तो आई विल नॉट सपोर्ट दैट आई विल आई विल बी लाइक कि नहीं इतना आप किसी को नहीं बोल सकते हो वो इंसान गलत कर रहा है आप उस पर बोलो तो वो चाहे हेट अकाउंटेबिलिटी हेट बोल, बोल लो वो कशिश आकृति अरबाज सबके में है अगर आज कशिश को भी अगर दिग्विजय के फैंस बोल रहे हैं अपने गलत किया तो वो उनका बोलना सही है कि वो उस चीज के लिए उसको बोल रहे हैं बट आप उसके कैरेक्टर पे नहीं आ सकते उस चीज पे बट लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए थोड़े से बायस यार बाइसड uh, तो मुझे सही वर्ड नहीं लगता मुझे लगता है अनफेयर थोड़ा मुझे लगा क्योंकि जैसे अरबाज के केस में अरबाज की वजह से स्क्रीन टाइम मेरा बहुत कम कर दिया गया बिकॉज ऑफ द बैकलेश तो ये आपकी गलती की आपने वेरीफाई नहीं किया आपकी गलती है आप ऐसे इंसान को लेके आए जो ऑलरेडी इंगेज था इसमें मेरी क्या गलती है मैंने तो अपना हंड्रेड दिया ना तो मेरा स्क्रीन टाइम क्यों कम करना उस चीज़ को लेकर इसमें मेरी क्या गलती है उसके बाद मेजर जो 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब चंक कट गए चलो दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि वो रेलिव वेंट नहीं था बट बहुत सी चीजें ऐसी थी जैसे शिवे जब वाइल्ड कार्ड से वापस आया तो उसको थ्रू आउट सेफ रखा गया मैंने उस पे लड़ाई की थी मेरी लड़ाई हुई है शो के अंदर टीम से बट मेरी लड़ाई हुई है टीम से और मुझे बोला भी गया था कि नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते हो और क्लिप भी कट हो गया तो मैंने तो सबसे लड़ाइयाँ करी जहाँ मुझे लगा है गलत है तो बायस तो मैं क्या बोलूँगी बट हाँ मुझे लगता है बैलेंस नहीं था मुझे अपने आप को लेके भी ऐसा लगता है कि जितना लेवरेज बाकी लोगों को मिला उतना हमें मिलता तो बात अलग थी आकृति तीन बार बची शिवे जब वाइल्ड कार्ड से आया थ्रू आउट वो सेफ रहा है भले परफॉर्मेंस कैसा भी रहा हो तो वो डिसबैलेंस तो रहा है फॉर श्योर कौन आपके हिसाब से जीतना डिजर्व करता था Uh, मैं अपना नाम लूँगी ऑफकोर्स uh, क्योंकि मैंने यार परफॉर्मेंस वाइज मैंने बहुत दिया है शो में मतलब मेरी इतनी गंदी इंजरी थी कि मेरे को याद है मैं सुबह उठते से ही मेडिसिन लेती थी yeah. मेरा पैर इतना सूजा हुआ रहता था उसको उसकी सूजन कम करने के लिए मुझे सुबह उठते से गोली खानी पड़ती थी रोज़ रात को मुझे तीन तकियों के ऊपर पैर रखने पड़ते थे ताकि सुबह नॉर्मल हो जाए मैं टास्क कर पाऊँ तो मैंने इतना दिया है और आई वॉट प्लेड ऑल्सो इन द शो तो आप एक शो में पैसा भी नहीं जीते और मेरा मेरा अकाउंट अलग शेडो बैन हुआ हुआ था इंस्टाग्राम पर तो वो उस, वो बढ़ नहीं पाया तो मेरा लॉस इतना हुआ है तो मुझे लगता है मैंने इतना दिया है तो आई डिजर्व टू विन द शो बट हाँ और तो ऐसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा मेरे अभी के जो विनर है क्या लगता है? है वो आपको लगता है इसा? यार ऑनेस्टली uh, बोलूँ तो डिजर्विंग uh, वाला वर्ड तो नहीं बोलूँगी मैं देखो आकृति ने भी शो को दिया तो बहुत कुछ है मतलब एक शो के अंदर इतना हेटरेट झेलना और इतना ज़्यादा चीज़ों से गुजरना कि जहाँ पे उसके कैरेक्टर की बातें हुई हैं जहाँ पे इतने लोगों ने उस पर उंगलियाँ उठाई है सोशल मीडिया पे इतना हेटरेट तो इतना झेलने के बाद अगर शो जीतने को मिल जाता है तो इट इज़ गुड आपका कंपनसेशन शायद थोड़ा बहुत टेन परसेंट शायद हुआ हो लेकिन अगर वो दो बार उस वो बची नहीं होती ना वो ट्विस्ट से तो अगर वो उसके बाद जीतती ना तो मैं बोलती कि हाँ डिजर्विंग है वो जो दो तीन बार ऐसा हुआ है ना कि वो ऑलमोस्ट निकल गई है बट बच के वापस आ गई है और बहुत सी चीज़ें कि जैसे हमने उसको कॉर्नर कर दिया टारगेट कर दिया वट उसके बाद उसको लेवरेज मिल गया कि वो डेट पर चली गई या लव डेन वाला वो चीज़ आ गया सेफ हो गए तो वो तीन जो ट्विस्ट ऐसे आए ना जिसमें वो बची है ना तो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होता और तब वो जीतती ना तब मैं बोलती कि हाँ हंड्रेड डिजर्विंग है वैसे मुझे नहीं लगता

तीसरा शो है एम टी वी का एंड आई मैं अब अपने आप को एम टी वी किट बोलती हूँ <laughs> कि मतलब सबको दो दो मिल गए मैं इकलौती ऐसी इंसान हूँ जिसको तीसरा मिला है और इनसाइडर मिला है तो मुझे जो मेरे दिल में ना एक वो था अवॉइड कि यार मेरे yeah. साथ गलत हो गया मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई दो शो करने के बाद भी वो आई थिंक वो कंपनसेट हो गया यहाँ <laughs> पे मतलब ट्रॉफी नहीं आपको शो दे दिया एग्जैक्टली exactly. <laughs> पैसे भी तो वो शो मिलना और सबसे मेजर चीज़ उसके होस्ट अमित साध है अमित साध के साथ स्क्रीन प्रेजेंस शेयर करना आगे और भी लोग आएंगे जिनके साथ मैंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया है उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करके उनके बाइट्स लेना और मतलब एक नया एक्सपीरियंस की मैं बहुत डरी हुई थी स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था मैं फंबल ना कर दूँ yeah. और सीनियर एक्टर है मैं कैसे मतलब कुछ गड़बड़ ना कर दूँ पहली बार मैं ऐसा कुछ होस्ट जैसा कुछ कर रही हूँ तो बहुत डर था लेकिन वो टीम इतनी बढ़िया थी वो पूरी रोडीज़ की टीम yeah. थी तो रोडीज़ के सारे लोगों से मैं मिली वो सारा सब कुछ मेरा वो सारे ना इमोशंस मेमोरी सब जाग गए थे कि डब ऑज अ टाइम कि मैं इनके सामने कंटेस्टेंट

एक्साइटेड और ये इंडिया का इकलौता पैरानॉमल रियालिटी शो है इससे पहले इंडिया में ऐसा कोई शो आया ही नहीं है एंड जितने रियलिटी शो लोगों ने देखे हैं ना उन सबसे हटके शो है ये मतलब कुछ वैसा नहीं ड्रामा नहीं कुछ वो नहीं बहुत प्यारा रियल रियालिटी शो जैसे मैं बोल सकती हूँ वैसा है कि ऐसा कुछ कभी किसी ने पहले देखा नहीं है एंड आई एम श्योर पीपल विल लव इट आपको मजा आया करने में मुझे बहुत मजा आया मतलब अगर मैं तीनों शो को सामने yeah. रखूं ना तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस एमटीवी डार्क स्क्रोल so पे रहा में क्या होने वाला है बिग बॉस यार पता नहीं यार देखो मतलब मैं ऑनेस्टली ना कुछ बोल नहीं सकती क्या होने वाला है मेरे को ऐसा लगता है डेस्टिनी है यार देखो रोडीज मैंने सोचा नहीं था वो हो गया स्पिविला सोचा नहीं था अचानक से मेरे को चार दिन पहले उसके लिए कॉल आता है और एम टी का कॉल तो मुझे दो दिन पहले आया तो मुझे पता है कि मेरे लिए जो होने वाला है ना वो अपने आप आ जाएगा मैंने कभी वो चाह नहीं रखी कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए मैं ऑडिशन दे भूल जाती थी तो आई एम प्रटी श्योर कि इसके बाद अगर चौथा कुछ होगा ना वो अपने आप ऐसे झोली में गिरेगा मेरे हाथ में आई एम प्रटी श्योर बाकी मुझे नहीं पता वो क्या गिरने वाला है मेरी झोली में आई एम जस्ट होपिंग फॉर बेस्ट कि और मैं मतलब कोर्स मेरा मन है बिग बॉस जाने का बट मैं ना किसी की एक्स बन के किसी का पास कनेक्शन बन के किसी को एक्सपोज करने नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जर्नी हमेशा ऐसी रही कि आई एम जस्ट एक्सपोजिंग एवरीबडी ऐसा लगता है मैं वकील हूँ मैं सबको कटघरे में डालती हूँ उन पर इल्ज़ाम लगा लगाती हूँ तो ना कि मतलब एक्सपोज करने जाओ या किसी हाँ। के बारे में बोलने जाओ हाँ। या किसी के बारे में कुछ कहो तभी आपको पे एंट्री मिलेगी पर प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे केस में लोग बिलीव नहीं करते आई स्वेयर टू माई मॉम मतलब मैंने जितना भी जिसके लिए भी बोला है ना मैंने बहुत सच बोला है बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास प्रूफ नहीं थे ना तो लोगों को लगता है कि मैं हाफ बेग्ड स्टोरी बनाती हूँ राइवलरी या कुछ है मैं बहुत सच बोलती हूँ टू द पॉइंट तो लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ वो कटघरे में लोगों को रख रख के मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे को ना किसी का कोई बैगेज या किसी के अटैचमेंट के साथ नहीं जाना मुझे मेरा गेम खेला है, है पर्सनालिटी के साथ मिला दैट्स व्हाट बट आई एम श्योर कि मेरी जिस तरीके की पर्सनालिटी है ना वो जो वहां किसी का कुछ सच पता चल जाएगा ना तो मैं फिर से एक्सपोज करने के पीछे ही लग जाऊंगी मेरी मेरी पर्सनालिटी शुरू से रही है बचपन से ही कि मुझे हां चुप नहीं रहा जाता, हाँ, नहीं हाँ? रहा जाता मे, मेरी एक्चुअली दिस आई हैव गॉट इट फ्रॉम माय फैमिली फॉर सम रीजन कि मेरी मॉम को भी ना कुछ ऐसा लगता है ना गलत हो रहा है वो चुप नहीं रह पाती इसलिए वो बुरी बन जाती है सारे उस रिलेटिव्स में कि ये तो भाई सबका सच बोल देती है ये तो चुप नहीं रहती है तो मेरे साथ भी सेम है एंड आई थिंक दैट विल नेवर गो आई विल ट्राई टू लाइक मिनिमाइज इट कि नायरा देखो पता है किसी के बारे में सच तो तू चुप रहे मत बोला अभी भी मेरे अंदर बहुत सीक्रेट है जो मैंने आज नहीं बोले मैंने कहा नहीं बोलूंगी मैं कोई नहीं, एक फिर भी निकल गया बट आई होप कि अब कुछ भी हो अच्छा तो यार एक नया स्टार्ट हो ये तीसरा शो है इसमें मेरी एक अलग पर्सनैलिटी दिखेगी तीनों शो में आप जब कंपेयर करोगे तो इधर इज़ अ डिफरेंट नायरा नोज रिंग जा चुकी है नायरा के शो में एक अलग पर्सनैलिटी है अब जो चौथा होगा आई वॉन्ट मेक श्योर देट देर इज़ अ डिफरेंट नायरा जो फॉर श्योर क्या बात है ऑल द बेस्ट नायरा थैंक यू एंड धमाल मचा दो नाइशो में फॉर श्योर फॉर श्योर आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू गिव लव टू दिस शो थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सेम हियर हाय दिस इज नायरा हुजा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली मसाला